नापराध लक्षई क्षिप्तासि कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट युग्म सुमति रघुनाथ दास श्री जीव में कुरुत मंद मतीर दयांग बराक तमादि देवं करुणा निदानं तमाल वर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं जं प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायन विरहका तर आयु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक और हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे और एक बार जोर कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को श्रवण कर रहे थे। हमारे शास्त्रकार बताते हैं अगर किसी ग्रंथ की महिमा को ऊपर में विचार करना चाहते हो वो ग्रंथ की चार विषय पर विचार करनी चाहिए। बोले पहला नंबर है ये भागवत कथा कौन सुन सकता है, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वही सुन सकते हैं जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म की कोई पुण्य उदय हुआ हो तभी ये कथा कोई सुन सकते हैं। अगर कोई बोले हम तो बड़े पापी हैं हमने तो कोई पुण्य ही नहीं किया फिर ये कथा क्या नहीं सुन सकते। इसलिए हम गतकल्य श्रवण कर रहे थे ये धुंधुकारी जैसे इतना बड़ा कोई पापी नहीं हो सकता है। सुन था ना सुना था धुंधुकारी मतलब क्या होता है, कहते अपना जीवन को बोले धूम धूम करो इति धुंधुकारी, मतलब तो जीवन को जो दुखी दुखी कर दे वही धुंधुकारी है। उसने किया कि अपना पिताजी को इतने पिटाई कि पिताजी घर छोड़कर चले गए, माताजी को इतने सताए मैया कुएं में आत्महत्या की, छह छह बेस्याओं को बुला करके रखा, बेस्याओं ने बड़े बुरी तरह इसको मार डाले फिर प्रेतात्मा बन गया। लेकिन गोकर्ण ने जब कहा तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दिया है, हमारी भारतीय संस्कृति है गया में भगवान का चरण चिन्ह है, ठाकुर जी का ही वरदान है, अगर कोई पितृ पुरुष को उद्देश्य में एक बार गया आकर के पिंड दे दे वो जरूर उसको मुक्ति मिली जाती है।
लेकिन कहते मेरे नाम पर एक बार क्यों, अगर मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दोगे तभी मेरी मुक्ति होने वाले नहीं। इतने बड़ा पापी ये धुलधुटा है, लेकिन इतने बड़े पापी को मुक्ति मिली तो मुक्ति मिली कैसे, बोले ये श्रीमद भागवत कथा से उनको मुक्ति मिली। इसका तात्पर्य है हम जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, एक बार आ करके ये भागवत कथा में केवल बैठ जाओ। अगर केवल कथा में बैठ जाओगे ना, जरूर ये भागवत कथा आपको मुक्ति जरूर प्रदान करेगी, केवल कथा में बैठने मात्र से ही। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, बोले श्रुत अनुपठित ध्यात आदृत अनुमोदित सद्य पुनाति सद्धर्मम जानते विश्व द्रोहो अपि। देखो ये भागवत कथा की कितने महिमा, कहते श्रुत, अगर कोई भागवत कथा को सुने जरूर उसको कल्याण है, अगर सुने नहीं तो भागवत कथा को पढ़े तब भी कल्याण है, अगर ये भी नहीं हो, अगर कहीं भागवत कथा हो रही है, अगर इतनी बात कोई बोल दे भले भागवत कथा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, कथा होनी चाहिए। अगर किसी ने इतना मात्र बोल दिया तो कहते हैं उसी समय में ही वो व्यक्ति जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, बोले देव द्रोह, अगर कोई विश्व द्रोह भी किया क्यों नहीं हो, उसी समय में ही सद्य पुनाति सद्धर्मम, उसी समय में ही वो सारे पाप से मुक्त होकर के भगवान की प्रेम को भगवत प्राप्ति की कारण बन जाता है। इतने महिमा केवल भागवत कथा की अनुमोदन मात्र से ही। इसलिए कहते पापी से भी पापी ये कथा को सुन सकता है, अगर कोई पुण्यात्मा हो, कोई अगर पुण्यात्मा हो क्या ये कथा को नहीं सुन सकते, ज्ञानी से ज्ञानी क्यों नहीं हो, बोले भैया वो भी कथा को सुन सकते हैं, क्योंकि जो भगवान की कथा है। कहते सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े ज्ञानी कोई नहीं थे, इतने बड़े सुखदेव गोस्वामी ज्ञानी थे, बोले जम प्रवजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम, जिन्होंने मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे और वो जन्म होते ही उसी समय में ही संन्यास लेकर के जा रहे थे और जा करके संपूर्ण ब्रह्म में वो डूबे हुए थे, ब्रह्म में ये डूबे हुए थे, इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी। लेकिन जब इनके कानों में कृष्ण कितने सुंदर है, एक श्लोक इनको कान में मात्र पड़ गया तो सारे ब्रह्म ध्यान ज्ञान को छोड़ करके वापस आ गए और पूरे के पूरी भागवत कथा को उन्होंने श्रवण किया। इसका तात्पर्य यह है भगवान की जो कथा है ना, ये कभी पुरानी नहीं होती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बले राम कथा जय सोना ता अघाई, राम कथा कृष्ण कथा यही सोना अगर कोई बोले भैया कथा सुन सुन कर तो हम बोर हो गए, अरे सुनी सुनाई कथा को कितना सुने, अगर ऐसे कोई बोलता है गोस्वामी जी कहते रस क्या चीज है वो व्यक्ति को पता नहीं। आप देखना अगर एक टाइम रोटी नहीं मिले ना, एक टाइम रोटी नहीं मिले, बोले हाय रोटी दिन भर रोटी का मुंह ही नहीं देखे। अगर रोटी में अगर इतने रस हो सकता है पर ठाकुर जी कथा में क्या रस नहीं हो सकती। इसलिए हमारे एक संत कहते हैं,
बोले तुंडे तांडव निबित वितनुते तुंडा बलि लब्धै कर्णा क्रडो कर मिनि घटयते कर्णा बुधेव स्प्रिया चेत प्रांगण संगिनी रचयते सर्वे इंद्रियाणां कृति नो जाने जनित किम अद्भुत कृष्णेति वर्णदोय। कहते जो कृष्ण जो नाम जो दो अक्षर है इसमें इतने रस है, उसमें इतने आनंद है, जब ये कृष्ण नाम जिह्वा को ऊपर में उदय हो ऐसे लगता है ये ब्रह्मा तो सृष्टि करना जानता ही नहीं, इतने मीठा नाम को जप करने के लिए एक ही जिह्वा क्यों दे दिया। जब कानों में प्रवेश करता है ऐसे लगता है मानो हमें करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं मिल गया। हृदय में जब प्रवेश करता है कहते सारे जड़ इंद्रियों को स्तब्धीभूत कर देता है, हृदय में मानो रस की धारा बरस रही, इतने मीठा है भगवान की कृष्ण नाम में और कृष्ण कथा में इतने मीठा है। इसलिए भगवान की कथा सुन जितने सुनो लगता है कभी जैसे जिंदगी में हमने सुने ही नहीं है। राधा रानी जब जब कृष्ण को दर्शन करती है ना उनको लगता है जिंदगी में पहला बार दर्शन कर रही हो। घर में ठाकुर जी है कि नहीं तुम लोग घर में? देखो वो एक ही ठाकुर को सवेरे में भी देखते हो, दोपहर में भी देखते हो, शाम को भी देखते हो, रात को भी देखते हो, कभी लगता है जीवन में पहली बार लगता होगा जीवन में पहला बार ठाकुर को दर्शन कर रहे हैं। इसलिए कहते भगवान की जो कथा है कौन सुन सकते हैं, बोले पापी से पापी भी कथा सुन सकते हैं और ये ज्ञानी से भी ज्ञानी ये कथा को सुन सकता, सभी कथा को सुन सकते हैं। बोले अधिकार दो नहीं कथा सुनने की अधिकार है। दूसरा नंबर में बताए बोले भागवत जो कथा है इसमें विषय वस्तु क्या है, बोले इसका अंदर में विषय वस्तु कोई साधारण विषय नहीं। बोले आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधो भर्गेण जा कल्पिता। बोले भागवत में जो विषय वस्तु है वो भगवान कृष्ण की कथा है, साधारण कोई दुनियादारी की कथा इसमें नहीं, भगवान की चर्चा जिसमें, इसलिए इसका नाम भागवत। भागवत मतलब क्या, बोले भगवत प्रोक्तम इति भागवतम। ये भागवत निकले कहाँ से, बोले साक्षात भगवान ने ही ब्रह्मा को ये चतुश्लोक रूप में उनको प्रदान किया है, उसी चतुश्लोक की व्याख्या ही ये संपूर्ण रूप में भागवत है। भागवत का अर्थ है साक्षात व्यास नारायण स्वयं, इसलिए व्यास देव भी ये स्वयं नारायण ये व्यास देव है जो भगवान की मुंह से निकली हुई कथा भागवत है। भागवत का दूसरा अर्थ क्या है, बोले भागवता नाम कथा ही थी भागवत। भागवत में क्या कथा है, जितने भागवतों की कथा, जितने संतों का चरित्र है, नारद जी कथा, ध्रुव कथा, अम्बरीश महाराज जी कथा, श्री परीक्षित महाराज जी कथा, ध्रुव महाराज जी कथा, प्रहलाद की कथा, जितने जितने बड़े बड़े संतों की चरित्र ही ये भागवत है। और भागवत का तीसरा अर्थ है बोले भगवत कथा इति भागवतम, जिसमें केवल भगवान की चर्चा है और किसकी चर्चा इसमें है नहीं, जिसमें भगवान मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि, जिसमें केवल भगवत चर्चा, जिसमें और कोई चर्चा है नहीं, इसलिए ये भागवत है। इसलिए यहाँ पर बताए ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये जो श्रीमद् भागवत कथा जिसमें आराध्य भगवान ब्रजेश स्तन है, जिसमें ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की कथा जिसमें, और किस भगवान की उपासना कैसे करनी चाहिए, बोले यद्यपि उनकी उपासना सब भक्त लोग ने की है लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ जो उपासना है कदी ये ब्रज गोपियों ने किया है।
ये ब्रज गोपियों ने जैसे उद्धव जैसे व्यक्ति भी, इसलिए कहते ना उद्धव शुद्ध है गयो, सुनी गोपियों की बोल और ज्ञान बजाए डुगडुगी बाजे प्रेम की ढोल। इसलिए उद्धव जैसे भक्त भगवान की, जिसके लिए कृष्ण खुद कहते उद्धव जी तू मेरी जितने प्रिय है ना, बोले न तथा में प्रियतम आत्म जोनीर न शंकर। ये कृष्ण खुद कहते हैं हे उद्धव तू मेरे जितने प्रिय हो, मेरे बेटा ब्रह्मा भी इतना प्रिय नहीं। बोले ब्रह्मा की बात छोड़ दो, मेरे जो हरि हर एकात्मा जो शंकर स्वयं वो भी इतना प्रिय नहीं। बोले शंकर जी की बात छोड़ दो, मेरी जो अंकसायनी जो लक्ष्मी मेरे हृदय में जो विलास करती है वो भी इतना प्रिय नहीं। बोले लक्ष्मी की बात छोड़ दो, श्री दाऊ भैया बलदेव भी इतना प्रिय नहीं। बोले बलदेव की बात छोड़ दो, मेरा आत्मा भी इतना प्रिय नहीं उद्धव, तू जितना मेरे प्रिय हो। इतने प्रिय उद्धव जी भगवान की। लेकिन ऐसे जो उद्धव जी जब ब्रज में गए, ब्रज गोपियों की प्रेम को दर्शन की, उद्धव जैसे व्यक्ति भी जिनकी चरण की धूल को प्रार्थना करते, इनकी धूल और वहां की कुंज लता बनने के लिए प्रार्थना करते हैं, कौन? श्री उद्धव जी। एक बार उद्धव जी की जयकार दो, बोले श्री उद्धव जी की जय। अरे जोर से बोलो, बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की जय। बैठ जाओ, चुपचाप बैठो। इसलिए कहती है भागवत में, बोले किसकी महिमा गाई गई भागवत में? बोले ये ब्रज गोपियों की महिमा ये श्रीमद भागवत में। इसलिए ये भागवत की इतने श्रेष्ठता है। और जो तीसरा जो चीज है, बोले भैया ये भागवत कथा सुने तो सुने कहां से? तो यहां पर बताए भैया भागवत कथा सबसे नहीं सुननी चाहिए, मना कर दिया है। कहते कथा सुनो तो ये जो भागवत कथा है ना, जैसे समुद्र मंथन करने से वहां अमृत भी निकली और विष भी निकला, दोनों चीज निकली। ये भागवत से भी कहती ये अमृत भी निकलती है और इसमें विष भी निकलती है। लेकिन ये सुनने का ऊपर में निर्भर करनी चाहिए, हम कथा किससे सुन रहे हैं। इसलिए शास्त्र में बताया जो कथा है ये वैष्णव से ही कथा सुन है, ये वैष्णव से ही कथा सुननी चाहिए। इसलिए ये पद्म पुराण में एक श्लोक बताए, बोले अवैष्णव मुखत गिरनम पुतम हरि कथामृतम श्रवण नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथा पयो। उदाहरण देकर समझाए, जैसे दूध, अगर हम दूध को पिएंगे क्या होगा? बोले अपना खुदा निवृत्ति होगा, शरीर में ताकत आएगी, हृष्ट पुष्ट होगी। लेकिन वही दूध को अगर सांप ने मुंह मार दिया, वो देखने के लिए तो लगेगा जैसे दूध है, लेकिन अगर वो दूध को कोई पिएगा तो क्या होगा? बोलो आप लोग, अगर सांप उसमें मुंह मार दिया फिर क्या होगा? दूध वो देखने के लिए तो दूध है, पियोगे तो क्या होगा? मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए ये पद्म पुराण कहता है अगर अवैष्णव जो वैष्णव मंत्र में दीक्षित नहीं है, जो विष्णु की आराधना नहीं करते हैं, गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा पर नर, अगर वो वैष्णव नहीं भक्त नहीं, अगर अभक्त से कथा सुनेंगे तो जैसे दूध पीने पर जैसे हृष्ट पुष्टि होगा, लेकिन जैसे सांप मुंह मारने पर मृत्यु का कारण बनता है, अगर भागवत अगर जैसे तैसे व्यक्ति को सुनोगे तो फिर भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी तुमको, ठाकुर का प्रेम नहीं मिलेगी, पता नहीं तुमको फिर कहां इधर उधर ले जाए, भक्ति छोड़ कर कहीं इधर उधर चले जाओगे। इसलिए कहते हैं जाओ भागवत पढ़ो, वैष्णव स्नान कथा वैष्णव से ही कथा सुननी चाहिए, फिर तो जीव का परम कल्याण प्रद है। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की जय। इसलिए गतकल्य हम जो कथा श्रवण किया था कदी ये पद्म पुराण की कथा थी, आज हम थोड़ी सी ये स्कंध पुराण में भी ये भागवत की महिमा इसको भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बोले जिस समय भगवान कृष्ण ये जगत छोड़ करके चले जाते हैं,
मैया कुंती को जब पता चला कृष्ण चले गए, वो उसी समय में ही अपना प्राण त्याग देती। बोले क्यों? बोले जब कृष्ण ही नहीं रहे फिर ये शरीर रह करे क्या लाभ। शिक्षा देती है अगर ये जीवन में कृष्ण भजन हो तभी ये जीवन को धारण कर। अगर ये जीवन पा करके अगर प्रभु की भक्ति नहीं कर रहे हो, यहाँ मैया कुंती बोलती है ये शरीर धारण करके कोई लाभ नहीं है। इसलिए भागवत में बताया जीवन सबो, वो जीवित अवस्था में भी वो व्यक्ति मृत है। कौन व्यक्ति जीवित अवस्था में भी मृत है? जो ये जीवन पा करके भगवान की भजन नहीं करते हैं। तभी ये जीवन को धारण करो जब ये जीवन पा करके भगवान की भक्ति हो, नहीं तो कहती ये जीवन धारण करना बेकार है। बोले जीवन सबो, वो जीवित अवस्था में भी वो व्यक्ति मृत है, वो जिंदा नहीं है, हैं? इसलिए मैया कुंती उसी समय अपना प्राण को त्याग दी। इतने में पांडवों को जो पता चला कृष्ण चले गए, पांडव लोग भी कहते ब्रज का राजा बज्रनाभ को बनाया और हस्तिनापुर का राजा परीक्षित को बना करके पंच पांडव भी महाप्राण में चले गए। एक दिन श्री परीक्षित महाराज जी ब्रज में बज्रनाभ से मिलने के लिए गए। बोले बज्रनाभ सब कुशल मंगल है ना? बोले सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन एक चीज की बड़े दुखी है। बोले किस चीज की? बोले राजा को कब शोभा देता जब प्रजाएं हैं, लेकिन जब कृष्ण ये संसार छोड़कर गए, जैसे भगवान राम, अब रामायण देखे होंगे, जब भगवान ये अयोध्या छोड़कर गए संपूर्ण उन्होंने अयोध्या वासी को ही लेकर के चले गए ठाकुर जी, केवल एक हनुमान जी को रख कर गए जगत में ये राम भक्ति को प्रचार करने के लिए। इतने में जब कृष्ण गए तो उन्होंने भी सबको लेकर के चले गए, ब्रज संपूर्ण खाली हो गया। ब्रज बज्रनाभ कहता है सब कुछ तो कुशल मंगल है लेकिन ये ब्रज में कोई है ही नहीं, इसलिए मेरे को तो सुनी सुनी लगती है। इतने में श्री परीक्षित महाराज को पता है कृष्ण तो एक स्वरूप में गए लेकिन ये कृष्ण दूसरे स्वरूप में ब्रज में है अभी, लेकिन ये रहस्य को कौन जानता है? बोले श्री सांडिल्य ऋषि जानते हैं। बोले ये सांडिल्य ऋषि कौन है? बोले नंद बाबा का ये पुरोहित है श्री सांडिल्य, ये त्रिकाल दृष्टा ऋषि है। इनको पता है कृष्ण एक स्वरूप में तो गए लेकिन दूसरे स्वरूप में कृष्ण अभी भी ब्रज में है, इसलिए उन्होंने सांडिल्य ऋषि को बुलाया। बोले हे सांडिल्य ऋषि, आप थोड़ी सी ये वृंदावन की महिमा को बताओ, परीक्षित की समझाओ। तब सांडिल्य ऋषि ने कहा देखो भगवान की लीला दो तरह से ठाकुर जी की लीला है, एक तो साधारण लीला है और एक उनकी विशेष लीला है। लेकिन इस साधारण रूप में क्या दिखता है? भगवान कृष्ण चले गए, लेकिन विशेष रूप में अगर देखो कृष्ण खुद कहते हैं बोले वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, मैं वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी कहीं नहीं जाता हूं। आप लोग वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए? हाथ उठा, हाथ उठाओ, जोर से हाथ उठाओ। आप देखना वृंदावन में कहते दो वन देखोगे, जो गए नहीं ना आप लोग जरूर जाया करो। देखो हम लोग बड़े भाग्यवान है जो भारत में जन्म लिए, हमारा देश का नाम ही भारत, मतलब क्या? भा मतलब होता है प्रकाश, रत मतलब जो प्रकाश का तरफ में रहते हैं। भगवान भारत को छोड़कर कहीं जन्म नहीं लिए। बताओ भगवान राम कहाँ जन्म लिए? अयोध्या। कृष्ण कहाँ जन्म हुई? वृंदावन में। जितने साधु संतों को देखो, बड़े बड़े संत कहाँ पर जन्म हुए? भारत में। गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी कहाँ पर है? कहाँ पर है बताओ? अयोध्या मथुरा माया काशी कांची कहाँ पर है? और कहीं नहीं, भारत में है। इसलिए एकादश स्कंध में बताए देवता लोग भी भारत में जन्म लेने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप पुण्य कर्म करके स्वर्ग तो जा सकते हो लेकिन इस स्वर्ग में ऐसे कोई कर्म नहीं करके फिर भारत में जन्म ले सकते। इतने भारत, आप विशेष करके
भारत में जन्म लेना तो बड़े सौभाग्य की बात है, फिर काशी में जन्म लेना भी बड़े सौभाग्य की बात है। ये स्थान को कहते पहले काशी जैसे मानते थे, फिर उसको अंदर में फिर ब्राह्मण घर में हैं, कहते वर्णा नाम ब्राह्मण गुरु, वर्ण में कौन गुरु है, वर्ण में ये ब्राह्मण लोग वर्ण में गुरु है, इसलिए भगवान भी जिनकी चरण की पूजा करते हैं, इतने सौभाग्यवान आप लोग हो यहाँ पर, इसलिए जरूर जीवन में एक बार वृंदावन धाम जानी चाहिए। ठाकुर जी को स्थान में वृंदावन जो लोग गए हुए ना, आप देखे होंगे जो विदेशी लोग है, लंदन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सब लोग वृंदावन में आते हैं, सब चोटी तिलक कंठी लगा करके सबके सब हरे कृष्ण राधे राधे ठाकुर का सब नाम लेते हैं। एक बार बोलो आप सबके सब हाथ उठा करके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। और एक बार बोलो जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए आप लोग जो वृंदावन गए होंगे देखना वहां पर दो वन है, एक निधु वन और एक निकुंज वन, जो गए कभी शाम का समय में जाइए देखना बड़े बहुत सारे बंदर रहते हैं, लेकिन वो शाम होते ही वो बंदर को भगाने की जरूरत नहीं, देखना वो अपने आप वो जंगल से निकल जाते हैं। और वहां पर मंदिर ही है ठाकुर जी की, ठाकुर जी को फूल की सज्जा की सेवा, ठाकुर को फूल की सज्जा लगती है, लोटे में पानी रखते हैं, दांतुन रख देते हैं, लड्डू रख लेते हैं, सवेरे जा करके देखोगे ऐसे लगेगा मानो कोई ये पुष्प सज्जा के ऊपर में कोई आकर के लेट करेगा। कभी पानी नहीं मिलती, कभी लड्डू नहीं मिलती हैं, हैं? क्योंकि अभी भी भगवान वृंदावन में लीला करते हैं। अगर कोई जोर जबरदस्ती बोले ठाकुर जी क्या करते हैं हम देखना चाहते हैं, अगर वो जंगल में कोई रह जाएगा ना वो तो गुंगा बन जाएगा, नहीं तो शरीर छोड़ जाएगी। और उसी मंदिर के पास में हमारी बड़ी गुरु जी की मंदिर है, हमारी मंदिर है, मैंने तो दो घटना देखी, एक माता जी को देखा तो शरीर छोड़ते हुए, और एक व्यक्ति को हमने गुंगा होते हुए देखा, क्योंकि जब वो ठाकुर जी की वो लीला दर्शन करते हैं ना, वो लीला दर्शन करने के बाद फिर बोलने का लायक नहीं रह जाती, इसलिए वो गुंगा बन जाते हैं। जिनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है ना, एक बार वृंदावन जाओ, वो जंगल में रह करके देख लो, फिर आपको पता चलेगा ठाकुर है क्या नहीं। इसलिए यहाँ पर सांडिल्य ऋषि कहते हैं भगवान की लीला दो तरह का है, एक व्यवहारिक लीला है और एक दिव्य लीला है। व्यवहारिक रूप में हम देखते हैं ठाकुर जी तो चले गए, लेकिन ठाकुर को जो दिव्य लीला है ना, अभी भी ठाकुर जी वृंदावन में लीला कर रहे हैं। बड़े बड़े संतों ने ठाकुर को दर्शन किया है। हमारी संप्रदाय में एक संत हुए हैं जिनका नाम था श्यामानंद प्रभु, जब वो वृंदावन में आए अपना गुरु जी ने कहा देख बेटा जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक मेवा नहीं मिलेगा, एक काम करो ये निधु वन निकुंज वन में झाड़ू लगा। वो संत रोज रोज झाड़ू लगाते थे और हा राधे बोल करके रोते थे, हे राधा रानी कब मेरे ऊपर में कृपा करोगी, रोते थे, वो जमीन में लौट पोट खाते थे। एक दिन राधा रानी उनको दर्शन देने के लिए अपना चरण की जो नुपुर जो पायल को छोड़ कर गए। वो संत जब सवेरे गए देखा घना घोर जंगल, लेकिन वहां पर भी एक सोने की नुपुर चमचमा रही, बोले यहाँ सोने की नुपुर कहाँ से आए, उसको उठा करके प्रणाम किया, अपना गुरु जी को दिखाया, जीव गोस्वामी थे उनको गुरु जी, तो राधा रानी के सखी, बोले देख बेटा ये राधा रानी तेरे को दर्शन देने के लिए बहाना बनाई, कोई आए ना देना नहीं, बोलना जिनकी चरण की ये नुपुर वो स्वयं आए अपना हाथों से मैं पहना दूंगा। सचमुच से राधा रानी वहां पर स्वयं आती है और ये संत अपना हाथों से उन्होंने राधा रानी की चरण में उन्होंने नुपुर पहनाए। बोले हे राधे जब आप इतने दूर तक तो कृपा की है मुझे दर्शन भी प्रदान करो। जब उन्होंने आंखों को ऊपर में काला पट्टी बांध कर गए थे,
जब पट्टी को खोला ना, फिर उन्होंने राधा रानी को दर्शन किया। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए और दो भाई थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, वो भी हमारी संप्रदाय के संत हुए। वो दोनों भाई आपस में हरि चर्चा कर रहे थे। एक भाई सोच रहा था बड़े दिनों में बड़े भाई आए, उनको खीर बहुत पसंद, लेकिन घनाघोर जंगल, ये नंदगांव की कथा है, बड़े भाई के खीर बड़ा पसंद, कहां से खीर दे। राधा रानी स्वयं बालिका बन करके आती है, स्वयं खीर बना करके दोनों को खिला करके जाती है। इसलिए अभी भी संत लोग जो जो सही सही ठाकुर को भजन करते हैं, अभी भी राधा रानी कृष्ण उनको दर्शन देते हैं। हाँ, अभी भी ठाकुर दर्शन देते हैं संतों को। इसलिए बोले देखो, भगवान को दर्शन इन्हीं आंखों से नहीं कर सकते हैं। बोले प्रेमांजन चरित भक्ति बिलोचनेना संतः सदैव हृदय सो बिलोकयन्तम् जम श्याम सुंदरंगम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदंग मादि पुरुषम तमहंग भजामि। बोले इनको कैसे दर्शन हम कर सकते हैं। बोले ये जड़ नेत्र से ठाकुर का दर्शन नहीं होता है। जब हम अपना आंखों में प्रेम रूपी अंजन काजल को लगाएंगे, तभी हम ठाकुर जी को, तभी दिव्य हृदय में ही ठाकुर जी की दर्शन होता है। हमारी आंखों में काम क्रोध लोभ छल कपट ईर्षा द्वेष से भरा हुआ, जब हृदय संपूर्ण साफ हो जाए, तभी ठाकुर जी की तभी दर्शन होता है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए सांडिल ऋषि ने कहा, देखो परीक्षित, अगर तुम ठाकुर जी की अनुभूति करना चाहते हो, ठाकुर जी को दर्शन करना चाहते हो, एक काम करो, कृष्ण चले गए, धीरे धीरे कृष्ण लीला स्थल धीरे 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 अंतर ध्यान होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, तो पुनः ये ब्रज को पुनः तुमने उजागर करो, ठाकुर जी को स्थापन करो, कुंड स्थापन करो, उनके लिए सुंदर सुंदर स्थान बनाओ, तभी ठाकुर जी की तुम्हारे ऊपर में कृपा होगी। तो उन्होंने बड़े सुंदर, अभी जो ब्रज में जितने स्थान हम दर्शन कर रहे हैं, ये बज्रनाभ का ही ये कृतित्व है। अगर ये नहीं होते तो कृष्ण कहाँ बंसुरी बजाए, कहाँ रास किए, कहाँ गिरिराज उठाए, राधा रानी कहाँ पर उन्होंने मान की, हमें पता ही नहीं चलता, कहाँ बरसाना, कहाँ नंदगांव, कहाँ गिरिराज गोवर्धन, हमें कुछ पता ही नहीं चलता। ये महापुरुष ने संपूर्ण समस्त स्थान में जाकर के कृष्ण जैसे जैसे लीला की थी, लीला अनुरूप उन्होंने वो स्थान को उन्होंने प्रकाशित किया है। बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने ठाकुर जी बनाए। आपको एक ठाकुर जी की कथा सुनाता हूं, ध्यान दे करके सुनो। ये जो ठाकुर जी, अभी ये उड़ीसा में है, इनका नाम है साखी गोपाल, पहले ये वृंदावन में रहते थे, इनका ही द्वारा स्थापित है। इनकी कथा सुनो ध्यान दे करके। बोले एक समय दो ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकले, एक जवान और एक वृद्ध है। जो जवान ब्राह्मण था, जो वृद्ध ब्राह्मण की बड़ी उनने सेवा की, अपना बेटा जैसे उसने समस्त तीर्थ में लेकर उनको दर्शन कराया। संपूर्ण तीर्थ दर्शन करते करते जब वापस आना चाह रहे थे वृंदावन में, गोविंद देव रंग जी मंदिर आप देखे होंगे, उसको पास में एक मंदिर था जिनका नाम था गोपाल जी, गोपाल जी के मंदिर में वहीं पर आकर के रुके। इतने में जो वृद्ध ब्राह्मण था, जो जवान ब्राह्मण को, बोले देख बेटा, अगर तू नहीं होता तो मैं कभी ये तीर्थ नहीं घूम सकता था, तू बेटे से भी ज्यादा तुमने मेरी सेवा की है, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं, मैं तेरे को कुछ देना चाहता हूं। बोले देखो, मैं तो आपको पिता मान करके सेवा की है। बोले नहीं, मैं कुछ देना चाहता हूं। बोले क्या देना चाहते हो। बोले मेरे घर में मेरी एक लड़की बड़ी सुंदरी है, जब मैं वापस जाऊंगा मैं अपना बेटी को तेरे को मैं शादी देना चाहता हूँ। छोटा ब्राह्मण देखा, देखो आपको बेटी को शादी करने के लिए मैंने तीर्थ नहीं दर्शन कराए, मैं आपको पिता मानकर दर्शन कराया है, इसलिए आपको बेटी हमें नहीं चाहिए। बोले नहीं, बेटी मेरी मैं देना चाहता हूँ। बोले देखो, यद्यपि हम दोनों ही ब्राह्मण हैं, लेकिन आप लोगों को पता होगा ब्राह्मण अभी भी छोटे बड़े होते हैं,
बोले आप बड़े ब्राह्मण जाति के, मैं छोटे ब्राह्मण जाति का हूँ। बीच पहले बड़े विचार होता था, बराबर हम ही शादी देते थे। बोले आप तो कह रहे हो शादी देंगे, लेकिन आपका परिवार वाला राजी नहीं होगा। बोले बेटे मेरे हैं, मैं देना चाहता हूँ। बोले परिवार वाले अगर नहीं देंगे तो फिर क्या करोगे? वहीं पर ठाकुर जी थे, कृष्ण थे, गोपाल। बोले गोपाल जी को मैं साखी करके कहता हूँ, मैं जरूर अपना बेटी को तुम्हें शादी दूंगा। अभी घर में वापस आए, जो बड़ा ब्राह्मण था अपना परिवार को बैठा है। बोले ऐसे ऐसे बात, बच्चे तो सुनकर बिगड़ गए। बोले आपको पता नहीं, हम उच्च जाति के ब्राह्मण, वो नीचे जाति का ब्राह्मण, पर समाज हमें क्या बोलेगा? अपना मुंह दिखाने का लायक नहीं रह जाएंगे। अगर हमारी बहनी को शादी दिया तो हम जहर खाकर मर जाएंगे। बोले हमने ठाकुर को साखी करके आए। बोले ठाकुर थोड़ी बोलते हैं, ये ठाकुर थोड़ी बोलते हैं, कोई चिंता मत करो। अगर वो आएगा ना, आप इतना बोल देना मैंने क्या कहा नहीं कहा मेरे याद नहीं, आगे हम सब देख लेंगे। छोटा ब्राह्मण ने देखा, बोल रहे थे शादी देंगे, वो आकर तो चुप हो गए, कुछ बोल नहीं रहे। वो छोटा ब्राह्मण आया, बोले क्या बात, आप बोल रहे थे शादी देंगे अपना बेटी को, अब आकर चुप कैसे हो गए? उन्होंने बच्चों का बात से आकर के बोले मेरे को याद नहीं मैंने क्या कहा था नहीं कहा था। इतने में बच्चों को तो सुजोग मिल गया, बच्चे लोग तो डंडे लेकर के आए। बोले दुष्ट, हमारे पिताजी को पास में बहुत सारे पैसा था, तुमने धदुए खिला करके पिताजी को पागल बनाया, और तू सारे पैसा ले लिया लूट करके, फिर बहनी से शादी करना चाहते हो, और डंडे लेकर के तो मारने के लिए भागे। वो जो छोटा ब्राह्मण ग्राम पंचायत बुलाया, जब ग्राम पंचायत बुलाए, इतने में ग्राम पंचायत बोले, बोले कोई प्रमाण है तुम्हारे पास में इन्होंने शादी देने के लिए बताए? हाँ, बोले वृंदावन में गोपाल जी को सामने इन्होंने साखी किया था, फिर बच्चों को मौका मिल गया। बोले जा गोपाल जी को बुला ला वृंदावन से, गोपाल जी जब साखी देंगे तब तो शादी करना। लेकिन वो ब्राह्मणों को विश्वास था ठाकुर जरूर आएंगे। उन्होंने जगन्नाथपुरी से चलते 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 वृंदावन ठाकुर जी के मंदिर में आए। बोले ठाकुर जी आपको उन्होंने साखी करके बताया था बेटी को शादी देने के लिए, लेकिन जा करके फिर बात को पलटा दिया, आपको चल चल करके जाना पड़ेगा साखी देने के लिए। ठाकुर जी बोले, देखो ठाकुर जी बात करते हैं, ठाकुर किम पहले लोग हैं ना, ठाकुर जी के प्रति उनकी बड़ी विश्वास होती थी, ठाकुर की प्रति बड़ी श्रद्धा होती थी हैं। ठाकुर जी बोले तुमने कभी सुना ही ठाकुर कभी चलते हैं? ब्राह्मण ने कहा ठाकुर चलते नहीं तो आप बोलते हो कैसे? जब आप बोलते हो आपको चलना पड़ेगा, और इसी मुंह से जाकर के साखी देना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो ब्राह्मण का बदनामी, मेरी बदनामी, साखी का सब बदनामी होगी, आपको जाना पड़ेगा। ठाकुर तो फंस गए। बोले ठीक है, काम करो, 1 किलो चावल का खिचड़ी बनवाओ, खिचड़ी बना कर खिलाओ, फिर मैं चलूंगा। बोले देख एक काम करना, मैं तो तेरे पीछे पीछे चलूंगा, लेकिन मोड़ करके नहीं देखना, मोड़ करके देखोगे तो मैं वहीं खड़े हो जाऊंगा। बोले पता कैसे चलेगा अब आ रहे हो? बोले मेरे प्यार में नुपुर बंधा हुआ है, ये नुपुर का छम 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 आवाज होगी। सचमुच से ठाकुर जी चलते चलते आए कटक। आप लोग नाम सुने होंगे, उड़ीसा में पुरी से एक स्टेशन है, पहले कटक है। ठाकुर जी वहीं तक चलते चलते आए, लेकिन वहां पर रेती में ठाकुर की चरण में जो नुपुर था ना, रेती में धंसने लग गया। अभी नुपुर का आवाज जो छमछम हो रही थी बंद हो गई। ब्राह्मण ने देखा यहां तक तो आवाज आ रही थी, लेकिन यहीं पर आकर बंद कैसे हो गई? अगर मैं राजा के पास में जाऊं, अगर देखे ठाकुर जी नहीं आए, फिर बदनामी होगी। बोले पास में तो आ ही गए, एक बार मोड़ करके देख लेता हूं, अगर रुक जाएंगे सबको बुला करके दिखा दूंगा। उन्होंने मोड़े करके देखे तो ठाकुर जी बंसुरी बजाते बजाते ठाकुर वहीं पर रुक गए। बल आगे और नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे तरफ पर मोड़ करके देख लिया। बोले राजा को बुला करके ले आओ। उसने जाकर गांव में हला मचा दी, वृंदावन से गोपाल जी साखी देने के लिए आए हैं। राजा रानी मंत्री सबके सब गांव के गांव उमड़ पड़े, और ठाकुर जी सभी को सामने साखी दे करके बोले, बोले ये बात सही है, ये बड़ा ब्राह्मण जी मेरे को साखी रख करके बताया था बेटी को शादी देने के लिए, लेकिन ये परिवारों का
दबाव में मैं आकर के मुकर गया, लेकिन बात सही है, बात सही है। इसलिए कभी अगर आप जगन्नाथपुरी जाओगे, ठीक पुरी से एक स्टेशन पहले वो स्थान का नाम ही साखी गोपाल है। बड़े सुंदर ठाकुर जी, हाँ बड़े सुंदर ठाकुर जी। इसलिए कहते हैं ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं। कोई कहते हैं ठाकुर जी खाते नहीं, बोले तुम सबरी जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। ठाकुर सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी अंदर में ऐसे भक्ति हो तब तो ठाकुर जी सब कुछ करेंगे ना। हमारी अंदर में भक्ति की कमी है, इसलिए ठाकुर हमसे बोलते नहीं, खाते नहीं और सुनते नहीं। अगर भक्त जैसे बुलाएंगे करेंगे तो ठाकुर जरूर हमारी बात सुनेंगे। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जोर से बोलो, पिछले भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ, इसलिए ठाकुर जी तब उन्होंने सारे ठाकुर जी को उन्होंने प्रकाशित, सारे ठाकुर को प्रकाशित किया। जब ठाकुर जी को प्रकाशित किया, इतने में एक दिन क्या हुआ, कृष्ण की जो 16108 महिषियां थी वो कृष्ण विरह में बड़े दुखी। क्यों? कृष्ण चले गए। बात मत करे बोधा। इसलिए उन्होंने भगवान चले गए, इसलिए सब महिषियां दुखी। लेकिन देखा ही जो यमुना है कालिंदी, ये बड़ी कलकल नाद से बड़ी आनंद से प्रसन्न होकर के बह रही है। महिषी ने पूछा, बोले कालिंदी हम सबके सब कृष्ण विरह में दुखी है, क्या तेरे को कृष्ण विरह का दुख है ही नहीं? कालिंदी बोली, राधा रानी की आशीर्वाद से, राधा रानी की कृपा से ही मेरे को पता है कृष्ण कहीं भी नहीं गए। अभी भी कृष्ण वृंदावन में है, कृष्ण कहीं नहीं गए, लेकिन केवल राधा रानी की आशीर्वाद से ही ये अनुभूति होती है। राधा रानी के चरण में शरण लो, कृष्ण अभी भी वृंदावन में, ये चीज, ये रहस्य आपको पता चलेगा। राधा रानी के चरण में सबके सब शरणागत हुए। बोले ये बात हमें कौन बताएगा, अभी कृष्ण ब्रज में है? बोले ये उद्धव जी बताएंगे। बोले ये उद्धव जी कहाँ मिलेंगे? बोले भगवान जब ये संसार छोड़ करके जा रहे थे, ये उद्धव जी को ही उन्होंने सारे ज्ञान देकर गए। अभी भी उद्धव जी श्री गिरिराज तलेट में एक स्वरूप में तो बद्रीनाथ में, और दूसरे स्वरूप में उद्धव जी श्री गिरिराज तलेट में भजन कर रहे हैं। आप लोग गिरिराज की परिक्रमा लगाई? कौन कौन गिरिराज परिक्रमा लगाए, हाथ उठाओ सबके सब। देखो आप लोग कोई हाथ नहीं उठा, एक दो व्यक्ति हाथ उठा रहे हैं। आप लोग कोई वृंदावन नहीं गए, गिरिराज की कोई परिक्रमा नहीं लगाए? जरूर लगानी चाहिए। आप लोग एक तो ब्राह्मण देवता हो हैं, और बड़े भाग्य से ब्राह्मण घर में जन्म लिए, विश्व ब्रह्मांड वृंदावन में आते हैं गिरिराज की परिक्रमा लगाने के लिए। हम गिरिराज की कथा सुनेंगे, आप सबके एक बार ले जाएंगे, ठीक है? अब बताओ तो कौन कौन जाना चाहते हाथ उठाओ, कौन कौन जाना चाहते हाथ उठाओ, ठीक है? अब सबके एक बार हम श्री वृंदावन धाम ले जाएंगे, ठीक है? अभी जो लोग गिरिराज की परिक्रमा लगाए आप देखे होंगे, वहीं पर उद्धव कुंड है। जो गिरिराज की तलहट में उद्धव ही गिरिराज का आश्रय लेकर के वहीं पर घास बन करके तपस्या कर रहे हैं। बोले ये रहस्य को उद्धव जी बताएंगे, क्योंकि अंतिम समय में कृष्ण ये उद्धव जी को ही ये सारे ज्ञान बता कर गए, और उद्धव जी को ही कृष्ण ब्रज में भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान की थी। बोले चलो सबके सब श्री उद्धव जी को पास में। महिषि ने और श्री बजरना परीक्षित महाराज सांडिल्य ऋषि सबके सब गिरिराज तलेटी में, जहां पर उद्धव कुंड वहीं पर आए, और बड़े सुंदर वहीं पर कीर्तन करते हैं। बोले गोविंद जय जय
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय हरि गोविंद मैंने कल बताया था आपको कीर्तन में जरूर ताली बजानी चाहिए। कल मैंने कहा था एक संत दूसरे संतों से प्रश्न कर रहे हैं, बोले कहीं भी भगवान की कीर्तन हो सब कहते ताली बजाओ ताली बजाओ। भाई भैया ताली बजाने से क्या होता है? संत ने कहा जो ताली बजाते हैं उसको पाप उड़ जाती है। बोले उड़ तो जाती है फिर बैठता है कहां पर? बोले जो ताली नहीं बजाते हैं वहीं पर ये पाप जाकर बैठ जाता है। कल मैंने ये भी बताया था अगर आपकी भाग्य रेखा में अगर गड़बड़ सड़बड़ हो, अगर इधर उधर हो, जो ठाकुर का कीर्तन में ताली बजाते हैं ना ठाकुर जी आपको भाग्य रेखा भी बदला देते। दोहा भी है महाराज जी, पाप पुकारे राम सौ, पाप पुकारे राम सौ मोह ठहर बताए, जो ना बोले कीर्तन ताई के मुंह में जाए। इसलिए पीछे भी सब ताली बजाओ ठीक है। बोले हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि 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 बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। जब सब मिलकर कीर्तन की, श्री नारद जी वहीं पर घास बन करके नारद जी वहीं पर भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। इतने में श्री नार वहां पर उद्धव जी, श्री उद्धव जी वहीं पर प्रकट हुई। जब महेश्वर ने कहा उद्धव कृष्ण तुमको ब्रज में भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान की थी, अभी हम भी कृष्ण विरह में बड़े दुखी है, बताओ अभी हमें सांत्वना कैसे मिलेगी। उद्धव जी ने कहा देखो
मैंने भी कृष्ण को यही प्रश्न किया था जब ठाकुर जी ये संसार छोड़ करके जा रहे थे। कृष्ण ने मेरे को एक रहस्य बात बताया, बोले तुम बताओ। बोले एक स्वरूप में तो मैं जा रहा हूं, लेकिन ये कलियुग में मैं दूसरे स्वरूप में रह रहा हूं। बोले किस स्वरूप में रह रहे हैं? कृष्ण स्वयं कहते हैं, बोले तेन अयंग बांग मई मूर्ति प्रत्यक्षे वर्तते हरि। बोले मैंने ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, ये भागवत ग्रंथ में ही मैं विद्यमान कलियुग में रहूंगा। इसलिए जो व्यक्ति ये कलियुग में ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे, कभी ये भागवत कथा सुनना और श्री बांके बिहारी से मिलना एक ही बात है। हम लोग कथा नहीं सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? श्री बांके बिहारी से हम मिल रहे हैं। तब महिषी ने कहा, उद्धव जी फिर तो हमें कथा सुना। कभी ये सर्वप्रथम ये कथा श्री उद्धव जी ये गिरिराज तलेटी में ये महिषियों को सर्वप्रथम कथा सुनाए। बोले कितने दिन तक कथा सुनाए? बोले एक महीना तक। और हम लोग कितना दिन कथा सुनेंगे? बोलो कितना दिन कथा सुनेंगे? 7 दिन ही सुनेंगे। लेकिन वहां पर महिषियों ने एक महीना तक नारद जी उनको भागवत कथा सुनाई। और जब भागवत कथा विश्राम हुई, कृष्ण स्वयं ये भागवत ग्रंथ से ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृदम की जय। फिर महिषियों ने कृष्ण से मिल करके उनके हृदय में जो विरह थी, जो व्यथा थी, वो विरह को उन्होंने दूर किया है ये महिषियों ने। इसलिए बच्चे को बारंबार उठाना नहीं। बोले चुप कर बैठे बच्चा, बैठ जा, उसको बैठा, उठाना नहीं। इसलिए वहीं पर उनको हृदय में सांत्वना मिली। तब श्री उद्धव जी कह रहे हैं, मेरे गुरुजी मेरे को एक सुंदर कथा सुनाए थे। बोले बोलो। बोले जिस समय भगवान कृष्ण ने ये विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने सृष्टि की, इन्होंने सर्वप्रथम 3 देवता को उन्होंने प्रकट किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी को बोले तुम्हारा काम है सृष्टि करना, शंकर जी को बोले तुम्हारी काम संहार करना, और विष्णु को बोले तुम्हारी काम पालन करना। इतने में ब्रह्मा जी बोले, ठाकुर जी आपका आशीर्वाद से तो मैं सृष्टि कर सकता हूं, लेकिन ये जो सृष्टि ये रजोगुण का काम है, पर ये रजोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? ठाकुर जी बोले अगर ये भागवत कथा को आप 7 दिन तक कथा सुनेंगे, ये रजोगुण तुमको व्याप्त नहीं करेगा, और कथा की प्रभाव से ये जगत को तुम सृष्टि कर सकते हो। देखो कथा की कितनी महत्व है। ब्रह्मा जी जगत का जो सृष्टि करते हैं ये कथा सुन करके और कथा की प्रभाव से। इतने में श्री विष्णु आए, बोले ठाकुर जी आपका आशीर्वाद से तो जगत को मैं पालन कर सकता हूं, लेकिन ये लक्ष्मी को कैसे पालन करूंगा? बोले आप भी कथा सुनो और कथा सुनाओ। देखो ये कथा की क्या महत्व है। जब भगवान नारायण स्वयं कथा करते हैं, माँ लक्ष्मी बैठ कर कथा सुनती है। नारायण कितना दिन कथा को पूरी करते हैं? बोले एक महीना। फिर जब माँ लक्ष्मी जब कथा करती है, स्वयं नारायण बैठ कर कथा सुनते हैं, माँ लक्ष्मी कितने दिन में कथा को पूरी करती? बोले 2 महीना। और इसके प्रभाव से जगत को पालन करते हैं। अभी भोले बाबा शंकर जी, बोले ठाकुर जी ये संहार करना तमोगुण का काम है, अब ये तमोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले आप भी सुनो और सुनाओ। इसलिए शंकर जी जब कथा सुनाते हैं, कितना दिन जानते हो? 1 साल में पूरी करते हैं। इतने सुंदर शंकर जी कथा को व्याख्या करते हैं, क्योंकि शंकर जी कौन है? बोले ये वैष्णवानाम जथा संभो। शंकर जी भगवान की सबसे प्यारे भक्त श्री भोले बाबा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, शिव सम को रघुपति व्रतधारी। शंकर जी के बराबर कौन रघुपति व्रत को धारण कर सकता है? शंकर ही जुग जुग में, शंकर जी के बगैर कोई ठाकुर का लीला नहीं होता है। त्रेता युग में आए तो शंकर जी स्वयं हनुमान बन कर के आए, ठाकुर की चरण की सेवा की है। कहते रुद्र देह तेज नेह बस बानर भय हनुमान। इसलिए स्वयं शंकर जी जब देखा
ये सीम शरीर से रुद्र शरीर से मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ, उनने प्रेम में वशीभूत होकर हनुमान बनकर के आए और उन्होंने राम के चरण की सेवकाई की। इसलिए कहते हैं ना, भले दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। इसलिए जब श्री शंकर जी कथा सुनाते हैं, कल हम सुने थे ना ये अमर कथा, सर्वप्रथम शंकर जी अमरनाथ में माता पार्वती को ये कथा सुनाई, इसलिए ये भागवत का एक नाम अमर कथा है। इसलिए जब शंकर जी कथा सुनाते एक साथ इतने सुंदर व्याख्या करते हैं
एक साल भागवत सुनाने में लग जाती है, लेकिन जब माता पार्वती कथा सुनाती है, शंकर जी भी कथा सुनते हैं, मैया पार्वती कितने दिन में पूरी करती है? 2 साल। मतलब शंकर जी जितने सुंदर व्याख्या करते हैं, माता पार्वती उससे भी ज्यादा सुंदर व्याख्या करती है, इसलिए उनको लग जाती है 2 साल। क्योंकि जो पार्वती देवी, ये वैष्णवी है। ये कौन है? ये वैष्णवी है। अगर कभी जम्मू जाओगे, आप देखोगे जम्मू में वहां माता वैष्णव देवी, उनको देखोगे गला में माता जी तुलसी कंठी पहने हुए देखोगे। स्वयं माता जी तुलसी कंठी पहनी है। कोई संत कभी माता जी को दर्शन करने के लिए कोई संत गए, जब गए माता जी एक रात से पहले उनने वहीं पर रुक गए, बोले सबेरे नहा धो करके माता जी को दर्शन करेंगे। पहले माता जी को पास में बलि चढ़ती थी, सवेरे होते ही भैंस बकरी की बलि चढ़ने लग गया, और तो मैं भे कर रहे थे। इतने वो संत ने कहा, भैया ये आवाज कहाँ से आ रही है? बोले माता जी को पास में ये बलि चढ़ रही। बोले बलि? ये तो माता जी, माता जी, माता जी मतलब क्या? सबको माता है, हैं सबको माता जी। माता कभी अपना बच्चों का खून पीती है कभी? वो संत तो बिगड़ गए। बोले ये माता जी नहीं, ये चंडी है, काली है चंडी, ये माता नहीं है। माता कभी बच्चों का बलि चढ़ती है कभी माता को पास में, कभी अपना बच्चों का खून पीती है? हम ऐसे चंडी को दर्शन करने, उठो बिस्तर उठाओ, यहाँ चलो, जल्दी चलो यहाँ से, पाप लगेगा। जब वो संत चलने लग गए, इतने में माता जी स्वप्न दीर पुजारी को बोले, देखो वो संत को लेकर क्या? बोले माता जी बुला रही है। और वो संत को बोलना, मेरे गले में तुलसी कंठी डाल दी, आज से मैं वैष्णवी बनूंगी, आज से अगर कोई मेरे सामने बलि चढ़ाएगा तो उसको वंश को मैं ध्वंस कर दूंगी। तब से माता जी को पास में बलि चढ़ना खत्म हो गई। इसलिए माता स्वयं गले में तुलसी की कंठी पहनी है, इसलिए उनका नाम वैष्णवी देवी है। हैं? जैसे हम लोग वैष्णव है, वो वैष्णवी है। इसलिए माता जी जब ये कथा सुनाती है ना, शंकर जी जितने सुंदर व्याख्या करती है, उससे ज्यादा सुंदर माता जी व्याख्या करती है, इसलिए उनको लग जाती है 2 साल ये कथा सुनाने में लग जाती है, 2 साल कथा सुनाने में लग जाती है, इतने महिमा। इसलिए मानो ये भागवत कथा की महिमा से ही जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय, ये भागवत कथा की महिमा से हो रहा है। समझो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं, और विष्णु जगत को पालन करते हैं। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय। तब यहाँ पर तब उन्हें श्रोता का निरूपण करते हैं। गत कल्ले हमारे प्रभु जी बताए थे, बोले श्रोता 2 तरह के हैं। कितने तरह के हैं? कल सुने थे ना, आज हम पूछेंगे, देखता हूँ कौन याद किया हुआ है। कल बोले थे ना, श्रोता 2 तरह के हैं, एक उत्तम श्रोता और एक कनिष्ठ श्रोता है। कहते जो उत्तम श्रोता 4 तरह के, कितने तरह के याद है? किसको किसको याद है? और एक बार मैं बोलता हूं, कल आप लोग बोलना। पहला नंबर हंस, जैसे हंस को दूध दो, वो दूध दूध तो पी लेता है और पानी पानी को छोड़ देता है। जो अच्छे श्रोता हैं, वो जीवन में सार सार तो ग्रहण करते हैं और असार को वो छोड़ देते हैं। दूसरा नंबर है चातक, ये एक चिड़िया है, ये किसी नदी का पानी, तालाबा का पानी नहीं पीता है। जब बारिश ही होना, वो केवल स्वाधी नक्षत्र का पानी पीता है। मतलब क्या है? जो अच्छे श्रोता है, वो इधर उधर दुनियादारी की कोई बात नहीं सुनते हैं, वो सुनेंगे तो केवल ठाकुर जी की ही बात को सुनते हैं, भगवान की चर्चा सुनते हैं, दुनियादारी की चारी चुगली निंदाओं को ये नहीं सुनते हैं। तीसरा नंबर है मछली। आप मछली देखे होंगे, मछली का आंखों का जो पलक है वो कभी नहीं झपती है। मछली का आंखों का पलक हर समय खुली हुई रहती है। बोले कथा कैसे सुननी चाहिए? टकटक लगा करके एक मन से कथा सुननी चाहिए, मन को इधर उधर भगानी नहीं चाहिए, एकदम आंख खोल करके कथा सुननी चाहिए। तीसरा नंबर है कहिए, तीसरा नंबर है तोता। तोता की एक विशेष गुण है, वो किसी कच्चा फल में मुंह नहीं मारेगा, उसको पता है कौन सा फल पक्का है और कौन सा फल कच्चा है।
उसी तरह हर चीज में मुंह नहीं मारनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि मक्खी और एक मधुमक्खी, इसलिए पंचवा नंबर भी मधुमक्खी, पंचवा नंबर भी मधुमक्खी। जैसे मधुमक्खी हर फूल को पर बैठी करके केवल शहद शहद ग्रहण करता है और एक सुंदर छत्ता बना देती है, उसी तरह हमें भी मक्खी कहाँ बैठता है, मक्खी किसी गंदी चीज को पर बैठता है, लेकिन मधुमक्खी कहाँ बैठता है, वो फूलों को पर बैठता है। इसलिए हमें मधुमक्खी बनकर की कथा सुननी चाहिए। इसलिए जो ये हो गया चार तरह का श्रेष्ठ श्रोता है, बस चार तरह का साधारण श्रोता, कनिष्ठ श्रोता। पहला नंबर है ऊंट। आप लोग ऊंट देखे होंगे, ऊंट को कोई कोमल कोमल सुंदर सुंदर पत्ता दो नहीं खाएगा, वो ढूंढेगा कांटा की पेड़ कहां पर, बबुल पेड़ कहां पर है। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, जो साधारण जो श्रोता है वो भगवान की मधुर मधुर कथा नहीं सुनेगा, वो ढूंढेगा कहां पर किसकी चुगली हो रही है, किसकी बुराई हो रही है, वही जाकर बैठेगा, लेकिन भगवान की कथा रस को पार नहीं करेगा। दूसरा नंबर है बैल। बैल को भूसा दो नहीं तो सुंदर सुंदर फल दो, वो दोनों को बराबर मानता है। मतलब क्या है, ठाकुर जी की कथा हो नहीं तो किसी की चुगली हो, दुनियादारी कथा हो, कहीं भी बैठ जाएगी। बोले नहीं भैया, वहीं पर बैठो जहां पर ठाकुर जी की ही चर्चा हो। तीसरा नंबर भेड़िया। ये छोटा जाति का बाघ होता है, वो हिरण के ऊपर कब आक्रमण करेगा, जब हिरण कोई सुलीली शब्द सुनकर के मुग्ध हो जाता है उसी समय में वो आक्रमण करता है। मतलब क्या, ऐसे कुछ श्रोता लोग हैं, खुद तो कथा नहीं सुनते हैं लेकिन पास में जो बैठ कर के कथा सुनते हैं ना, उनको भी सुनने नहीं देते। बिना कारण से पूछेंगे, तेरे घर में क्या हो रहा था, तेरे को पता है इसको बहू क्या कर रहे थे, सास बहू में लड़ाई हो रही है, बिना कारण के कारण जो इधर उधर की जो बात करते हैं, कहती है भेड़िया है। चौथा नंबर है भुरुन। ये एक चिड़िया रहता है हिमालय पर्वत में, इसका एक नेचर है, आप इसको जैसे सुनाओगे ठीक आपको ठीक वैसे ही सुना देगा, सुन मिलेगा सुन लेगा, लेकिन ये करते समय वो पूरा के पूरा उल्टा करेगा। अपना जीवन में एक बात को वो उतारता नहीं, सुनेगा सुनाएगा भी। इसलिए कहती है चार तरह का ये साधारण श्रोता, और चार ही तरह का कथा है, एक सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक और एक निर्गुण। ये चार तरह का कथा है। बोले सात्विक की कथा किसको कहते हैं, जैसे एक महीना हो दो महीना हो कथा तो सुनेंगे लेकिन उसको बाद में फिर कथा से कोई मतलब नहीं। राजसी कथा किसको कहते हैं, बोले कथा को बड़ी ठाड़ बाड़ से उन्होंने आयोजन करेंगे, हैं दुनिया को बुलाएंगे, कथा हो रही है कथा सुनने के लिए आओ, हैं कथा सुनने के लिए आओ, सारा दुनिया को बुलाएंगे कथा सुनाने के लिए, लेकिन खुद बैठ कर कथा को नहीं सुनते हैं, इसको कहते राजस की कथा है। बोले तामस की कथा किसको कहते हैं, बोले जैसे कि 7 दिन तक कथा होएगी लेकिन कभी इच्छा होगा तो बीच में आएंगे, नहीं तो लास्ट में आ जाएंगे, नहीं तो मन नहीं लगा एक चक्कर घूम करके फिर आ जाएंगे, किसी तरह से है, किसी तरह से ये 7 दिन किसी तरह से बिता देना है। अब विशेष करके देना परिवार के लोग कब आते हैं, कथा हो निमंत्रण देना, बोले नहीं आएंगे तो बुरा मानेंगे, लास्ट में एक दिन आकर के दर्शन देंगे, लास्ट में आकर दर्शन देकर चले जाएंगे। इसलिए कहते नहीं, कथा के सही कथा किसको कहते हैं, निर्गुण कथा है। बोले निर्गुण कथा किसको कहते हैं, बोले निर्गुण कथा उसे कहते हैं जो नित्यम भागवत सेवया, नित्य नियम करके रोज जो भागवत सुनते हैं नहीं तो कथा को पढ़ते हैं। इसलिए भागवत में बताए, अगर किसकी घर में एक श्लोक पाठ हो, एक नहीं आधा श्लोक हो, आधा नहीं एक चौथाई श्लोक भागवत का जिसकी घर में पढ़ाई होना, वो घर नहीं वही वृंदावन धाम है। ठाकुर जी उसकी घर में ही नित्य विद्यमान रहते हैं, इसलिए नियम है बोले नित्यम भागवत सेवया, रोज घर में भागवत जरूर पढ़ा कर। और जिस घर में ये भागवत पढ़ाई होता ही है वो कहते बोले सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्रा
जथा चुतादर कथा प्रसंग। बोले जिस घर में ये भागवत पढ़ाई हो उसका घर समस्त तीर्थ में तीर्थ विद्यमान, उसी घर में ही जिस घर में ये भागवत रोज पढ़ाई हो, गीता हो रामायण हो, उसको नियमित करके क्या करो, घर में जरूर ये गीता रामायण भागवत को घर में पढ़ाई हो, ठीक है ना। इसलिए कल मैंने बता रहा था, एक दिन मेरे हमारी गुरुजी को किसी ने आकर के बोले, बोले गुरुजी बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे क्या नहीं करते, घर घर ही कथा है, बच्चे बात नहीं सुनते। गुरुजी ने कहा रामायण पढ़ते हो, बच्चों को कभी बोला रामायण पढ़, बोले नहीं, बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं, बच्चों को नहीं पढ़ेगा, उसको तो घर यही स्थिति होगी, क्योंकि कहां पर बताया पिता माता की सेवा करनी चाहिए, ये रामायण बोलता है। प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमः माता, भगवान सर्वप्रथम क्या करते हैं ठाकुर जी, सवेरे उठ करके पिता माता के चरण स्पर्श करते ठाकुर जी। आप लोग रामायण देखे होंगे, जब दशरथ महाराज सैन्य किए हुए स्वयं राम जाकर के पिताजी के चरण की सेवा करते, भगवान अपनी पितृ आदेश को पालन करने के लिए 14 साल तक ठाकुर जी वनवास गए, माता सीता भी गई, भैया लक्ष्मण भी गए, भाई भाई में प्रेम रहनी चाहिए, कहां सिखाता है, रामायण सिखाता है। अब लोगों को पता भरत कैसे स्वयं भगवान जंगल में जाकर के जैसे बलकर धारण की, जमीन के ऊपर सोते थे भरत, वैसे ही सोते थे लक्ष्मण, परछाई जैसे प्रभु राम की सेवा की, इसलिए पहले घर घर में रामायण पढ़ते थे, इसलिए उनका घर क्या रहता था, अयोध्या, बोले जहां पर कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो, अवध, जहां पर कोई मरे नहीं है। इसलिए अगर हम चाहते हैं हमारा घर भी अयोध्या बने, हमारा घर अवध हो, राम जैसे बेटा, सीता जैसे बहू, लव कुश जैसे नाती पोती हो, क्या करना पड़ेगा, रामायण को पढ़ना पड़ेगा, क्या करेंगे, रामायण पढ़ेंगे। लेकिन पहला गुरु कौन है, पिता माता, पहला गुरु तो माता है, उसको बाद में पिताजी है। अभी बच्चों का संस्कार कहां से पड़ेगी, माता पिता से। अगर स्वयं माता पिता अगर भक्ति करे, भजन करे, गले में कंठी हो, तिलक हो, हरिनाम हो, गीता रामायण भागवत पढ़ते हैं, बच्चे भी वही करेंगे, देख देख कर तो बच्चे सीखते हैं ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा, माताओं को सबके सब गले में तुलसी कंठी पहनो, तिलक लगाओ, हरिनाम करो, और बच्चों को भी बोलो जोर करके, बोले बेटा घर में नियम बनाओ, बच्चों इधर सुनो सबके सब, बच्चे इधर सबके सब सुनो, घर में नियम बनाओ, जब तक तुम गीता का एक श्लोक नहीं पढ़ लोगे, रामायण का एक चौपाई हो, नहीं तो एक प्रभु का माला की, भगवान की माला नहीं जप करोगे, तुमको खाना नहीं मिलेगा, घर में ये नियम बनाओ, घर में ये नियम बनाओ सबके सब। अगर चाहते हो हमार भारत बच्चे बच जाए, भारत रख्या हो, आपको पता होगा कि नहीं, हर साल 10 लाख हिंदुओं को जोर जबरदस्ती क्रिश्चियन और मुसलमान बना रहे, आपको पता है कि नहीं, जोर जबरदस्ती ये क्रिश्चियन लोग जाकर घर घर में पैसा के लोभ दिखा करके सबको क्रिश्चियन बना रहे हैं, और मुसलमान लोग हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं। धीरे धीरे भारत में ये मुसलमान क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं, और धीरे 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 दूसरे देश इंडोनेशिया फिर इधर उधर जो देश था, पहले हिंदुओं का राज्य था, अभी धीरे 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 मुसलमान राज्य तो आ रहा है, क्यों, हमारे अंदर में कमी है। कल हम सुन रहे थे ना, मुसलमान धर्म में कंपलसरी 2 साल में ही उनको कुरान पढ़ाता है, 2 साल उम्र में कंपलसरी कुरान पढ़ता है। हम तो दिल्ली प्रचार करने जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना करके शुक्रवार के दिन रोड जाम कर देते हैं, अपना कुरान पढ़ते हैं मेन रोड में जाकर के, तब भी उनकी धर्म के प्रति इतनी निष्ठा है। लेकिन भारत में धीरे 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 धर्म खत्म होते जा रहे हैं, ब्राह्मण लोग भी जनेऊ पहनने थे, गायत्री जप नहीं करते, चोटी नहीं रखते, तिलक कंठी धारण नहीं करते, धीरे धीरे धर्म नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए हमारे धर्म को जागरण करो, उजागर करो, नहीं तो धीरे धीरे हमारे हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगी, हिंदू धर्म हमारी सनातन धर्म नष्ट हो जाएगी। देखो यहाँ पर जितने बैठे हो सब, आप लोग सब पिताजी उम्र के सब बैठे हो, आप लोग सबके सब एक काम करियो, हम चाहते हैं
तुम्हारी धीरे धीरे आप लोगों के अंदर में अच्छे संस्कार है, लेकिन अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं, धीरे धीरे जो नए बच्चे हैं, ये धीरे 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 हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। धीरे धीरे जो विदेश का जो संस्कृति, विदेश का खान पान रहन सहन को ये बच्चे लोग धीरे धीरे इसको ग्रहण करते हुए जा रहे हैं। हम चाहते हैं आपको बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार डालने के लिए, आपको बच्चों के ऊपर हमारी जो सनातन संस्कार हिंदू संस्कार को हम डालना चाहते हैं। जैसे ये बच्चे भी पिता माता की सेवा करें, इनके आदेश पालन करें, गीता रामायण भागवत पढ़े, हम ये चाहते हैं। आप लोग चाहते हो? कौन कौन चाहते हो हाथ उठाओ तो। अरे हाथ उठाओ, कौन कौन चाहते हो? सुने नहीं मैंने क्या बताया? हाथ उठा सब कैसे हो? कौन चाहते हो आपको बच्चों को अंदर में भी ये संस्कार पड़े, बच्चे अच्छे बने? चाहते हो? चाहते हो ना? आपको बच्चों के लिए हम एक अलग क्लास देंगे, जैसे आपको बच्चे लोग ये संस्कार धीरे धीरे ये संस्कार को अपनाएं और गुटखा खाना छोड़े, तंबाकू खाना, गंजा फूकना है, ये चीज को छोड़े, छोड़ करके शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करे हम चाहते हैं। आप लोग अगर चाहते हो आपको बच्चों को बुलाना, दो तीन दिन आपको बच्चों को हम अलग क्लास देंगे। हमारी बीच में हमारे के प्रभु जी है, यहाँ बैठे, खड़े हो जाओ तो, ये खड़े हो जाओ, देखो ये प्रभु जी, ये तो राजस्थान के, इधर देखो ये राजस्थान के है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, इसका करके 1,00,000 रुपया इसकी तनख्वाह थी, इसने सब छोड़ करके हमारी सनातन धर्म उजागर रहे, सनातन धर्म जगत में बढ़े, इसलिए इन लोगों ने सब छोड़ करके उन्होंने ये भक्ति में आए। और ये बच्चों को जो यंग बच्चे हैं उनको साइंटिफिकल रूप में समझाते हैं क्या सचमुच से भगवान है क्या नहीं, हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए, जीवन में हमें शांति सुख मिलेगी कैसे, इस विषय पर ही बच्चा क्लास देता है। अगर हम चाहते हैं आपको, आप लोग भी सुना, आपको आस पास में जितने अड़ोसी पड़ोसी में जितने गांव हो वहां के जो यंग बच्चे, जो लिखे पढ़े बच्चे हैं, उन लोगों को यहाँ बुलाओ और ये प्रभु जी उन बच्चों के लिए अलग क्लास देंगे। अब चाहते हो आप लोग? कौन कौन चाहते हो बोलो? कोई कोई नहीं चाहते, कोई हाथ नहीं उठा रहे, कहते हमारे बच्चे साधु नहीं बन जाए, हाँ इसलिए सबके सब अपना बच्चों को संस्कार डालो, ठीक है? ठीक, बढ़िया। बस वृंदावन बिहारी लाल की, अरे कोई जयकार भी नहीं देता आप मुझे, बोले से वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोलो जयकार लगे, यहाँ कथा हो रही है, जोर से बोलो, बोले से वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे। हाँ एक भजन गाओ, फटाफट देनो, हाँ एक भजन सुन लो, उसको बाद में फिर कथा सुनो, बोलो फटाफट। माइक वाले भैया ये है कि नहीं, माइक वाले बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। एक गोपी का भाव है, कन्हैया सपने में आएगा, आप
आए दही पी गए, दही पी गए, दही पी गए सारे।
स्वार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवये मुह्यन्ति जत सुरो तेजो बरी मृदम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्ग मृषा ध्याम्ना स्वेन सदा निरस्त कुअकम् सत्यं परम धीमहि। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये भागवत को प्रारंभ करते ही वो तीन श्लोकों के द्वारा उन्होंने मंगलाचरण की है। मंगलाचरण का तात्पर्य जो होता है, कोई भी काम किया जाए अगर भगवान की संतों को स्मरण करते हुए कोई भी काम कर वो काम जरूर मंगलमय होता है। इसलिए कहते हैं मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर जी का नाम। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी सर्वप्रथम उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया है। ये ऐसे एक श्लोक है भागवत का पहला श्लोक, जो एक श्लोक में ये संपूर्ण भागवत ये विद्वानों ने दिखाया, इतने अपूर्व श्लोक है। लेकिन ये श्लोक में किसका नाम नहीं, ये श्लोक में केवल विशेषण विशेषण केवल उसमें गुण गुण बताया। इसलिए जो जिन देवताओं को उपासना करते हैं ये श्लोक को 108 तरह का अर्थ बताया। जो शंकर जी को पूजा करते हैं कहते ये सत्यम परम धीमहि कौन, बोले भोले बाबा। अभी जो माता जी को पूजा करते हैं कहते ये श्लोक श्री माता जी के लिए बताए। जो हनुमान जी को पूजा करते हैं कहते ये श्लोक को हनुमान जी के लिए बताए। लेकिन श्री बल्लभाचार्य हुए बहुत बड़े संत, ये श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के, वो कहते हैं भैया ये श्लोक है बोले कृष्ण के लिए बांके बिहारी के लिए और किसी के लिए ये श्लोक नहीं है। बोले आप बांके बिहारी में कृष्ण में कैसे लागू करते हो, कहते उसमें जो बताया सत्यम परम धीमहि, कहते वो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। इसमें जो परम सत्य आया है जब कृष्ण देवकी के गर्भ में आए उसी समय में ये 33 करोड़ देवता एक साथ में देवकी की गर्भस्तुति की है। गर्भस्तुति का जो पहला श्लोक है बोले सत्य व्रतम सत्य परमति सत्य सत्य सजोनी निहितम च सत्य
सत्य से सत्य अमृत सत्य नेत्री सत्यात्मकत्वाम शरणम प्रपत्ति। ये 33 करोड़ देवता ये बात को कहते हैं, कहते वो परम सत्य कौन है जो पहले भी थे अभी भी है और बाद में जो रहेंगे ये कौन है। बोले ये श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र, ये श्री बांके बिहारी है। बोले श्री बांके बिहारी की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले जिनकी इच्छा से ही जगत में ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं और विष्णु जगत को पालन करते हैं, ये अन्य और व्यतिरेक रूप में सब इन सही सब कुछ होता है। जिन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के हृदय में दिव्य ज्ञान को जिन्होंने प्रदान की, इनकी माया ऐसी माया है जिनकी माया से बड़े बड़े देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं, हम आगे सुनेंगे। इसलिए कृष्ण जब इंद्र पूजा को बंद करा के उन्हें गिरिराज की पूजा कराए, इंद्र को बड़ा क्रोध आया। बोले संपूर्ण ब्रज को मैं तसनस कर दूंगा। इतने में भगवान कृष्ण ने क्या की, उन्हें गिरिराज उठा ली। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। और उन्होंने जब इंद्र को पता चला कृष्ण कौन है, बोले जिन्होंने कृपा करके बामन अवतार में मेरे को इंद्र बदल दिया, फिर भगवान के चरण में आकर के माफी मांगते कौन, इंद्र। कहते ब्रह्मा जी कृष्ण जब अघासुर को वध किया और सखाओं को साथ में भोजन कर रहे थे, ब्रह्मा जी भी कृष्ण की लीला को समझ नहीं पाए, उनके बछड़े और सखाओं को उन्होंने चोरी की। उसी समय में ब्रह्मा को जब पता चला ये मेरे पिताजी की पिताजी की पिताजी, ब्रह्मा भी आकर के भगवान को स्तुति करते हैं। बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण, समस्त का कारणों का कारण कौन है। बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र है, जिनकी माया में ब्रह्मा भी मुक्त हो गए। बोले जिनकी माया में 33 करोड़ देवता भी मुक्त हो जाते हैं, जिनकी माया में। एक दिन कृष्ण द्वारका में सारी रानियों को साथ में बैठे हुए थे, पटरानियों को साथ में। इतने में नारद जी गए थे स्वर्ग में, एक पारिजात पुष्प लेकर के आए और कृष्ण को दिए। बोले कृष्ण आपको रानियों में जो सबसे ज्यादा प्यारी आप जिसको उसको दे दो। कृष्ण तो चक्कर में पड़ गए, क्योंकि जब रुक्मिणी को पास में रहते हैं, कहते रुक्मिणी तेरे को मैं जितने प्रेम करता हूँ और किसी रानी को इतना प्रेम नहीं करता। जब सत्य भामा को पास में जाते हैं, बोले सत्य भामा सबसे ज्यादा तेरे को मैं प्रेम करता हूँ। कृष्ण ने देखा गड़बड़ी हो जाएगी, अगर एक को दे तो दूसरे मुंह बुला कर बैठ जाएगी। नारद बोले मेरे पास में समय नहीं, जल्दी जल्दी जिसको प्रेम करते हो सबसे जो प्यारी उसको दो। पास में बैठी थी रुक्मिणी, उन्होंने रुक्मिणी को दे दिया, वो पास में सत्य भामा थी। ये सत्य भामा कौन है, ये राधा जी की अंश से, और ये रुक्मिणी कौन, ये चंद्रावली की अंश से है। अभी राधा रानी तो बाम भाग वाली, इतने में जो सत्य भामा तो जब रुक्मिणी को फूल दिया, सत्य भामा तो तमतमा तो ये प्यार पटकती हुई भरी सभा से क्रोध करके चली गई और मान भवन में लेटी गई। कृष्ण देखा, नारद देखो कैसे लड़ाई झगड़ा लगा दिया बिना कारण के। अभी कृष्ण मनाने के लिए गए, जब सत्य भामा के ऊपर हाथ रखना सब हाथ को फेंक दी। बोले ऊपर जैसे काले हो अंदर में भी काले हो, अब तो भरी सभा में आपने प्रमाणित कर दिया आप किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, मेरे नाक कान कटवा दिया आपने। कृष्ण बोले सत्य भामा अरे रुक्मिणी को तो मैंने एक फूल दिया, तेरे लिए तो मैंने स्वर्ग से पारिजात वृक्षों को उखाड़ करके तेरे घर के सामने लगा दूंगा। बोले ज्यादा बोलो मत, जो एक फूल नहीं दे सके वो पारिजात उस पर वृक्ष लेकर ले आएंगे, क्यों इतना झूठ बोलते। बोले मेरे साथ में चलो। बोले चलो, उनने गरुड़ को पीठ पर बैठा करके ले गए स्वर्ग में। इंद्र को बोले मेरी पत्नी बड़ी रूठ गई मेरे ऊपर में, आप एक पारिजात पुष्प वृक्ष दे तो। बोले क्यों, स्वर्ग के इतने महत्व क्यों, ये पारिजात वृक्ष गली अगर स्वर्ग से मरते जगत में चला गया तो स्वर्ग का क्या महत्व रह जाएगा, यहाँ से पारिजात पेड़ नहीं ले जा सकते हो। फिर इतने में कृष्ण अपना पराक्रम को दिखाते हुए देखते देखते उन्होंने पारिजात वृक्ष को उन्होंने उखाड़ दी। उसी समय 33 करोड़ देवता सब भगवान से लड़ पड़े।
लेकिन भगवान सबको परास्त करते हुए वो वृक्ष ला करके श्री सत्य भामा का घर को सामने लगा दी। सत्य भामा तो खुश हो गई। सत्य भामा ने सब रानियों को निमंत्रण दी, आओ। बोले क्यों? ये मत समझो कृष्ण सबसे ज्यादा रुक्मिणी को प्रेम करते हैं। अरे उसको तो एक फूल दिया, देखो मेरे लिए तो उन्होंने पारिजात वृक्ष को उखाड़ करके ले आए। इसलिए यहाँ पर कहते मुहंती जत सुरयो, जिनकी माया ऐसे है, बड़े बड़े देवता लोग भी जिनकी माया को समझ नहीं पाते हैं, ऐसे जो भगवान, जो परम सत्य, जो भगवान कृष्ण, हम सबके सब ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। लेकिन ये हमारे रस्सी की टीकाकारों ने बोले देखो ये श्लोक में केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं, उसको साथ साथ में राधा रानी को भी प्रणाम किया है, क्योंकि जो परम शब्द है ये कृष्ण की जो पराशक्ति देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता, भगवान की जो स्वरूप शक्ति लादि शक्ति, उनकी जो पराशक्ति राधा रानी को उन्हें प्रणाम किया है, क्योंकि राधा रानी के बगैर कृष्ण आधा है। इसलिए बोले जापी राधा सापी कृष्ण, जा राधा कृष्ण एव स एक ज्योतिंग दिधा भिन्न राधा माधव स्वरूपम। तत्व तो ये अलग नहीं, तत्व तो ये एक ही है, केवल लीला विलास के लिए उन्होंने दो रूप धारण किया, तत्व तो ये एक ही है। इसलिए राधा कृष्ण प्रणय विकृति, कृष्ण का जो प्रेम स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। इसलिए उन्होंने यहाँ शिक्षा देते हैं अकेले कृष्ण पूजा नहीं करनी चाहिए, अकेले कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए, राधा कृष्ण की जुगल की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि राधा के बगैर कृष्ण आधा है। इसलिए कहते हैं ना बोले राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, यहाँ शिक्षा देते हैं राधा कृष्ण जुगल की उपासना करो, क्योंकि राधा रानी की कृपा से कृष्ण मिलते हैं और कृष्ण कृपा से श्री राधा रानी मिलती हैं। इसलिए हमारे बड़े बड़े रसिक लोग बताए, वृंदावन में एक कोई बहुत बड़े रसिक थे, उन्होंने बड़े सुंदर एक पद लिखा। वो पद में लिखा हुआ था मैं तो कृष्ण रंग में रंगी, मैंने कृष्ण रंग में मैंने रंग लिया। बड़ा सुंदर पद ही था, बड़े बड़े रसिकों के पास में वो पद गया। बड़े लोग सुनकर बड़े वाहवा थे, बोले वाह बड़े सुंदर पदी था सचमुच से। लेकिन जब श्री जीव गोस्वामी महाप्रभु का भक्त जीव गोस्वामी जब इनको पास में पद आया ना, इन्होंने एक श्लोक लिख करके उनको पास में भेज दिया। देखो वो श्लोक क्या है, बोले अनाराध्य राधा पदम भोज रेणो अनाश्रित वृंदावनम तत अटबिम असंभाष्य तत भाव गंभीर चिता उतः श्याम सिंधु रस श्यावगा। मतलब है अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति को पाना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति रस में स्नान करना चाहते हैं, पहले तीन चीज को अपनाओ फिर कृष्ण मिलेंगे, नहीं तो भैया कृष्ण नहीं मिलने वाले। जैसे कृष्ण तीन जगह में टेढ़ी है ना, उनकी भक्ति भी बड़ी टेढ़ी खीर है। हाँ वो बड़े तीन जगह से टेढ़े है ना, भक्ति भी बड़ी टेढ़ी खीर है।
मतलब तीन चीज क्या अपनाए, मतलब अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणो, मतलब जब तक श्री राधा रानी की चरण की धूल को आश्रय नहीं ग्रहण करोगे। मतलब दूसरी चीज क्या है, मतलब राधा रानी चरण के द्वारा अंकित श्री वृंदावन धाम को जब तक आश्रय नहीं करोगे। सबसे बड़ी चीज है राधा रानी की भक्ति में जो सराबर हुए जो संत हैं, जब तक ऐसे संतों का शरण नहीं ग्रहण करोगे, कुतः श्याम सिंधु रस श्याम गाओ, कहां कृष्ण प्रेम रस में कहां तुम गोता लगा सकते हो। इसलिए भैया इतने कृष्ण भक्ति इतने सहज नहीं, इसलिए वहां के रस्सी के एक भजन गाते हैं, बोले तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी ओ मरिया, भगवान की सब चीज टेढ़ो देखो, वृंदावन गए ना गली भी देखोगे टेढ़ी, जमुना भी देखोगे टेढ़ी, बोले टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी जसोदा डुकरिया तू टेढ़ी तेरी, सब वृंदावन टेढ़ी। देखो कृष्ण नाम भी देखो, ये जीवा जब तक तीन बार टेढ़ा नहीं हो जाए ना कृष्ण नाम भी नहीं निकलता है। अब राधा रानी बोलो राधा सीधा जीवा पर उच्चारण हो जाएगी, लेकिन जब आप कृष्ण बोलो ना देखा ये जीवा तीन बार टेढ़ी हो जाती है तभी ये कृष्ण नाम निकलती है, इसलिए वो भी तीन जगह से टेढ़े हैं, हैं? इसलिए सब उनको टेढ़ो, सब उनके टेढ़ाई टेढ़ा सबके सब है। इसलिए कहते अगर वो टेढ़े टांगे वालों को अगर कोई अपना ना चाहते हो क्या करो, सबसे पहले श्री राधा रानी के चरण में आश्रय लो, राधा रानी की कृपा के बगैर कृष्ण नहीं मिलेगी। इसलिए जो पहला जो श्लोक है वो ध्यान है, बोले किसको ध्यान करते हो, बोले जुगल सरकार को हम ध्यान करते हैं, बोले श्री राधा कृष्ण की जय। और जो दूसरा श्लोक जो मंगला चरण की, बोले ये प्रतिज्ञा, भागवत क्या प्रतिज्ञा लेती है, बोले धर्म प्रोजीत कैतव अत्र परम निर्मत शरणाम सताम। एक श्लोक में यह तीन बार अत्र आया है, पहला अत्र है बोले धर्म प्रोजीत कैतव अत्र, बोले भागवत में कोई कपटता धर्मों को आश्रय नहीं ग्रहण किया, बोले धर्म अर्थ काम, बोले ये तीनों को तो निकाल ही दिया, यहां तक भी जो मुक्ति है कहती है मुक्ति को भी भागवत से निकाल दी गई है, जहां पर केवल भगवान की प्रेम भगवान की भक्ति को ही जहां पर स्थापन किया, और वास्तव रूप में अगर कहीं धर्म है बोले ये श्रीमद् भागवत में ही वास्तव धर्म भागवत में। और दूसरा जो अत्र है बोले वेद्यम वास्तवम अत्रम, बोले भागवत में वास्तव धर्म जो जीव का है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अगर कहीं वास्तव रूप में जीव की सही धर्म को कहीं बताया ये भागवत में। जो तीसरा अत्र है बोले सद्य हृदय अवरुद्ध थे अत्र, देखो ये भागवत कथा की कितना महिमा, जैसे हमारे श्री प्रभु जी की घर में कथा हो रही, क्या नाम है लाल लाल जी, और माता जी का नाम देवकी देवी, माने इनकी घर में भागवत कथा हो रही, आपको पता चला इनकी घर में कथा हो रही, लेकिन अभी कथा में नहीं आए घर में ही है। अगर किसकी मन में इतनी मात्र इच्छा हो जाए मैं कथा सुनने जाऊंगी नहीं तो जाऊंगा, अगर ये भी नहीं हो अगर बोल दो बहन तू जाकर कथा सुनकर आ जा मैं घर का काम कर लेती हूँ, अगर इतना मात्र इच्छा होते ही बोले सद्य हृदय अवरुद्ध थे अत्र, उसी समय में ही भगवान आकर के उसके हृदय में ऐसे बंध जाते हैं जैसे माने एक व्यक्ति घर में जाए और अपनी आप को कुंडी लगा करके बंद कर दे, केवल सुनने की इच्छा मात्र से ही ठाकुर जी उसके हृदय में आकर के बंद जाते हैं। अगर वास्तव रूप में अगर कोई कथा में आकर के बैठ जाए कहते उसकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते, वो कितने सौभाग्यवान। बोले भैया कथा कौन सुन सकते हैं, बोले सुश्रुषुभी, साधारण व्यक्ति कथा नहीं सुन सकते। इसलिए शंकर जी क्या कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर होई,
hari hari ki ठाकुर जी की जिसको ऊपर में विशेष कृपा हो वही व्यक्ति ही ये भागवत कथा को श्रवण कर सकता है। इसलिए सुश्रुषुभी बड़े सुकृतिवान व्यक्ति बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति कथा सुन सकते हैं। अगर कोई बोले हमारा तो कोई सुकृति है ही नहीं, हमने तो कोई पुण्य ही नहीं किया, कहते पुण्य करने का जरूरत नहीं, कथा में आओ चलो बैठ जाओ, कथा सुनते सुनते ही अपने आप पुण्यात्मा अपने आप बन जाओगे। इसलिए भागवत इतना बड़ा प्रतिज्ञा करता है। जो तीसरा जो मंगलाचरण श्लोक वो आशीर्वाद देता है, क्या आशीर्वाद देता है, बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम, कहते आप लोग कहां पर बैठे हैं, हम लोग बोले ये वेद रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। बोले कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है, बोले जो मांगो वही मिलेगा, जो मांगो वही मिलेगा। कल सुन रहे थे ना, जो निर्धन उसका धन प्रदान करता है, जो रोगी उसको निरोग प्रदान करता है, जो दुखी उसे सुख प्रदान करता है, जो अपुत्र की जिसकी संतान नहीं उसको संतान प्रदान करते हैं। इसलिए कहते अकाम सर्व काम गा मोक्ष काम उदार, जो भागवत को मांगो भागवत आपको वही प्रदान करेगा। लेकिन इस संत लोग सावधान कर देते हैं, बोले देखो भागवत से कोई छोटी मोटी चीज मत मांगा करो, कोई छोटी मोटी चीज मत मांगा करो, जो मांगेगा तो वही दे देगा, लेकिन छोटी मोटी चीज मत मांगो, ऐसे एक चीज मांगो जो एक चीज मांगो जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। छोटी मोटी चीज भागवत से मांगना नहीं, कहते वो चीज क्या है। इसलिए जब भगवान राम हनुमान जी को बोले बेटा बर मांगो, जो मांगोगे सो दे दूंगा, हनुमान जी क्या बोले, बोले बार बार बर मांगो हरसी देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग, बोले हमें सत्संग दो, आपकी चरण की सेवा और चरण की भक्ति हमें प्रदान करो। क्यों, जब ठाकुर जी की भक्ति मिल जाए ना तो आप तो ठाकुर को बेटा ही बन गए, भक्ति मिलना मतलब ठाकुर का बेटा बन गए, जब बेटा बन गए पिताजी का सारी संपत्ति के मालिक तो तुम ही बन गए। इसलिए छोटे मोटे चीज क्यों मांगोगे, इसलिए ठाकुर जी को छोटे मोटे चीज नहीं मांगनी चाहिए, उनकी चरण की भक्ति और उनकी सेवा मांगो बस, सब कुछ जीवन में आपको मिल जाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम, बोले ये भागवत क्या है, बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। दो तरह का फल होता है, एक फल होता है वो पकने से पहले इसको तोड़ करके उसको गर्म में रख करके कारबाटी देकर पका लो, और एक फल होता है जो अपनी आप वृक्ष में पक जाए। बताओ तो कौन सा पेड़ कौन सा फल में ज्यादा स्वाद आएगा, अरे जोर बोल से जोर से बोला, जो पेड़ में जो पकता है। इसलिए बोले वो जो भागवत है ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, एक तो पका हुआ फल है ही है। बोले सुख मुखात अमृत द्रव संजुतम, फिर उसमें सुख पखी ने चोंच मारी, ये तोता का एक विशेषत्व है, वो किसी कच्चा फल में कभी चोंच नहीं मारेगा, वो पक्का हुआ फल में ही चोंच मारेगा। मतलब है ये जो भागवत है ना ये पक्का हुआ फल, ये कच्चा फल नहीं ये पक्का हुआ फल है। इसलिए जब श्री सुखदेव और एक कहावत है जो फल में ये सुख तोता चोंच मारता है ना उसमें ज्यादा मिठास आ जाती है, उसमें ज्यादा मिठास आ जाती है। एक में तो पका हुआ फल है ही है, लेकिन जब श्री सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकली उसमें और भी ज्यादा सा मिठास आ गई। बोले क्यों, कल हम सुन रहे थे ये जो तोता है, सुखदेव गोस्वामी कौन है,
बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना। ये राधा रानी की निकुंज में रहने वाले ये तोता है जिसको राधा रानी बड़े प्रेम करती थी। कभी कभी कृष्ण रूप मान कर उसको चुंबन करती थी। चुंबन मानने करने पर राधा जी की जो अधरा मृत ये सूख की थोट में लगा हुआ। इसलिए कल हम सुनेंगे वहां पर 88,000 ऋषि लोग थे, 100 साल 2 साल हैं, बड़े बड़े दाढ़ी जटा, लेकिन ये कथा किससे सुने? ये सुखदेव गोस्वामी सबसे छोटे बच्चे हैं और यहाँ वहां पर बड़े 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 सबके साथ ऋषि महर्षि बैठे हुए थे। बल्कि इनसे ही क्यों सुने? कारण है राधा रानी की अधरामृत इनके थोंट पर लगा हुआ। ये राधा रानी के निकुंज में रहने वाले, राधा रानी के समस्त लीला को दर्शन किया हुआ, इसीलिए वहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी से कथा सुने। इसे बोले सुख मुखात अमृत। ये सुखदेव गोस्वामी की मुंह से जब निकली उसमें और भी स्वाद आ गया। दूसरा अर्थ बताए ये फल कहां पर था? बोले पेड़ के सबसे ऊंचा शिखा पर था। वो फल को किसी ने देखा नहीं, ये सुखदेव गोस्वामी देखे। बोले क्यों? एक चीज को समझो, अगर हमें भक्ति रस पाना तो ऐसे नहीं अपने आप कहीं भक्ति करना शुरू कर दिया। बोले नहीं, गुरु परंपरा की जरूरत है। जब तक गुरु परंपरा में नहीं आओ ये भक्ति मिलने वाले नहीं। ये सर्वप्रथम ये फल को किसने दिया? बोले स्वयं भगवान कृष्ण ब्रह्मा को ये ज्ञान प्रदान करते हैं। फिर ब्रह्मा ये ज्ञान किसको दिया? बोले नारद जी को। फिर नारद जी किसको दिए? बोले व्यास देव को। फिर व्यास देव किसको दिए? बोले सुखदेव गोस्वामी को। अगर ये भक्ति ये परंपरा से ये गुरु परंपरा में आएगा तभी ये फल आपकी नजर में आएगी। अगर अपने आप कहीं गुरु परंपरा नहीं, कोई वैष्णव परंपरा नहीं, अपने आप अगर भक्ति करोगे भक्ति आपको मिलने वाले नहीं। ये जरूर ये गुरु परंपरा की जरूरत। इसलिए सुख मुखात बोले सुख का मुंह से सुखदेव गोस्वामी जैसे रस को पान किया, अगर उसी परंपरा से अगर कोई पान करेगा तो फिर तो रस आपको प्राप्ति हो सकती है, हैं? इसलिए सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम कहते पी बता, उसको पियो। इसको क्या करो? लेकिन पहले बता दिया फल। आप बताओ फल को पीते हैं ना फल को खाते हो? बोलो फल को खाते हो ना फल को पीते हो? खाते हैं, लेकिन यहाँ कहते पी बता। बोले पियो। बोले ये ऐसे के फल है ना जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें रसी रस है, जिसमें रसी रस है। जैसे अभी भी हम कथा रस को पी रहे हैं, बताओ किधर से पी रहे हो? हम किधर से पीते हैं? कोई चीज को पीते हैं किधर से? मुंह से पीते हैं ना। अभी जो रस को पी रहे हैं किधर से पी रहे हैं? जोर से बोलो, कानों से। ये ऐसे के रस है जिसको मुंह से नहीं पी जाती, किससे पी जाती है? कानों से। बोले कानों से और मुंह में पीने का फर्क क्या है? आप देखना कोई भी चीज अगर मुंह से पियोगे ना अंदर में नहीं रख सकते, नीचे निकलेगा। वो नीचे निकलेगा आप रख नहीं सकते हो, लेकिन जो चीज कानों से पियोगे ना वो निकलने वाला नहीं, हृदय में टिकेगा। हृदय में टिकेगा, वो निकलेगा नहीं। इसलिए कहते पी बता। बोले कैसे पियो? उसको मुंह से नहीं पी कर इसको कानों से इसको पियो। बोले भैया पीते तो हो सब निकल जाती है, रुकती नहीं, सब निकल जाती है। क्यों? हमारी अंदर में छेद ही छेद है, काम है, क्रोध है, लोभ है, हमारी अंदर में छेद ही छेद है। इसलिए पीते तो एक तरफ है लेकिन दूसरे तरफ में निकल जाती है। लेकिन ऐसे कौन सा उपाय है, भले ही हमारी अंदर में जितने छेद क्यों नहीं हो लेकिन इसको पिएगा ना एक बूंद भी नहीं निकलेगा। आप सब लोगों से मैं एक प्रश्न करता हूँ, देखता हूँ कौन इसका उत्तर दे पाते हैं। ध्यान देकर सुना। आप सबसे मैं प्रश्न करता हूँ, जैसे एक कलसी है, कलसी में छेद ही छेद है, अगर उसमें पानी डालोगे तो निकल जाएगा, ऐसे कौन सा उपाय है भले ही उसमें जितने छेद क्यों नहीं हो अगर पानी डालोगे ना एक बूंद भी नहीं निकलेगा? आप लोग जो पीछे बैठे हुए बोलो, जो सुने तो बोल देंगे, जो पीछे बैठे हुए बोलो, ऐसे क्या उपाय जिसमें छेद ही छेद लेकिन अगर पानी डालोगे ना एक बूंद भी नहीं निकलेगा, वो पूरा का पूरा टिके रहेगा, एक बूंद निकलेगा नहीं? बता सकता हो क्या उपाय है? कौन बोलेगा? हाथ उठाओ।
हाँ, इसलिए एक बढ़िया उपाय कहते बोले मुहु रहो। उदाहरण देते हैं, अगर ये डुबो करके रख लो कलसी को पूरा पूरा पानी में डुबो कर रख दो, आप बताओ उसमें जितने छेद हो निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पानी में डूबा हुआ है। इसका मतलब क्या है, भले ही हमारे अंदर में काम क्रोध क्यों नहीं हो, अगर हर समय हम कथा रूपी रस में डूबे हुए रहेंगे, हर समय कथा रस को पीते रहेंगे ना, सुनते रहेंगे, तो ये काम क्रोध हमारी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जैसे हम सभी का हृदय में काम क्रोध लोभ है, लेकिन जैसे हम कथा में बैठे हुए, कहीं हमें कोई काम क्रोध कोई सता रहा है? कोई नहीं सता रहे, क्यों? हम डूबे हुए हैं। लेकिन जब कथा से निकलेंगे ना, फिर हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ आता है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते भैया मुहु रहो, ये कथा रस में डूबे ही रहो, कभी यहाँ से निकलो मत, यहाँ से निकलना नहीं। बरसी का बोले कथा को कौन पान कर सकते हैं? बोले दो व्यक्ति ये कथा रस को पान कर सकते हैं, रसिका और भावुका है। जो भावुक और जो रसिक है, बड़े सौभाग्यवानशाली, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम, जिनको करोड़ों करोड़ जन्म का कोई सौभाग्य उदय हो, वही व्यक्ति ही कथा रस को पान कर सकते हैं। बोले ये कथा रस को कहाँ पान करे? बोले भूवि, ये पृथ्वी के ऊपर में, वृंदावन धाम में, पृथ्वी में ही ये कथा रस पान होता है। इसलिए कथा को सुनने के लिए कौन आते हैं? देवता लोग भी यही भारत वर्ष में आते हैं, ब्रह्मा भी, शंकर भी, गरुड़ जी को अगर कहीं कथा सुनना हो, वही यही मरते जगत में आकर के उनको पान करना पड़ता है। बोले भैया कथा रस तो सभी पान किए, लेकिन ये कथा रस को पूर्ण रूप में किसने पान किए है? बोले ये ब्रज की गोपियों ने जैसे ये रस को पान की, और किसी ने ये रस को ऐसे पान नहीं की, और ये रस किया है बोले कृष्ण की अधरामृत ही इसका रस है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। एक बार आप लोग मेरे साथ में भगवान का नाम को लो, बोले हरे कृष्ण, देखो जो भगवान का जो नाम, देखो ध्यान देकर सुनो, ये जो ठाकुर जी का जो नाम है, जानते हो ठाकुर का नाम क्या है? ये नाम को कौन ले सकता है? कृष्ण अर्जुन को कहते, अर्जुन बोले जनय पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरि नामानी सदा तिष्ठति भारत। बोले हे अर्जुन, ये हरि नाम को वही ग्रहण कर सकते हैं जिसने पूर्व पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने ठाकुर जी की अर्चन पूजा करके आए हैं, वही व्यक्ति प्रभु का नाम को जप कर सकते हैं, उसी की मुंह से ही ठाकुर का नाम निकलता है। इसलिए बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति के मुंह से ठाकुर का नाम निकलता है। इसलिए ये जोर करके बोलो मेरे साथ में, सब कैसे मेरे साथ में बोलो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले ओम नमिसे अनिमिसे क्षत्रे ऋषयः सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतम। अभी ये घोर कलिजुग आया है, ये कलिजुग से डरते हुए सौनकादि ऋषियों ने पितामह ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले आप कृपा करके बताओ ये कलिजुग से हम बच्चे कैसे रहेंगे। ब्रह्मा जी बोले कोई चिंता मत करो, मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करूंगा, ये चक्र जहां पर गिरेगा वही स्थान को पवित्र मान करके वहीं पर भजन साधन करो, ये कलिजुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो चक्र जाकर गिरा नैमिषारण्य में। हम लोग कोई गए हो नैमिषारण्य? कौन गए हाथ उठाओ तो, नैमिषारण्य कौन गए हाथ उठाओ? हम लोग कहीं गए ही नहीं लगता है। अब बताओ कौन जाना चाहते हो बोलो, सब काम ले चलेंगे,
अब बताओ कौन जाना चाहते हो, हाथ उठाओ सबके सब। अरे जाने के लिए तो हाथ उठाओ कम से कम। देखो ये भक्ति में एक विषय अच्छे तरह से समझो, जो ज्ञान कर्म और योग है ना, जब तक आप नहीं करोगे उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन ये भक्ति ऐसे की चीज है, अगर आपके मन में इच्छा हो गया ना, आधा फल मिल गया और आधा फल बाकी रह गया। अभी सुन रहे थे ना, जो कथा सुनने की इच्छा करता है उसी समय ठाकुर जी आकर के हृदय में बैठ जाते हैं, केवल इच्छा मात्र से ही। अब फिर जाकर कथा में बैठे तो बड़े पुण्य है। अगर किसकी हृदय में इच्छा हो गया हम जाएंगे तीर्थ में, समझो आधा फल आपको मिल गया बैठी बैठी करके। आप बताओ कौन नमिसार हमने जाना चाहता, आपको सबको ले चलेंगे। हाथ उठाओ, अभी तो हाथ उठाओ, अभी भी कुछ भक्त लोग हाथ नहीं उठा रहे। हाथ उठाओ जोर करके सबके सब। हाँ ठीक है, कहते ये नैमिषारण्य में वो स्थान का नाम नैमिषारण्य क्यों नाम पड़ा, बोले कारण है जहां पर एक निमिष मात्र समय भी नष्ट नहीं होता है उसको नैमिषारण्य कहते हैं, और चक्र का ऊपरी भाव को नेमी कहते हैं। और भगवान एक निमिष में हजार शत्रु राक्षस का जो बल को उन्होंने संहार किया था, इसलिए वो स्थान का नाम नैमिषारण्य में। वहीं पर ही ये स्वर्णकादि ऋषि लोग बैठे करके हजार सालों से वहीं पर साधन भजन यज्ञ कर रहे थे, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रहा था। एक दिन भगवत इच्छा से श्री सुत गोस्वामी वहां पर आए। सुत गोस्वामी को देख करके स्वर्णकादि ऋषियों ने वहां पर आसन दे करके बैठाए, और आसन देकर बैठा करके बोले हे श्री सुत गोस्वामी, आप तो गुरु जी की कृपा से ही ये जितने वेद पुराण इतिहास को आप गुरु जी की कृपा से ही आपने अध्ययन किया प्राप्त किया, इसलिए आप कृपा करके हम बताओ हमारी कल्याण कैसे होगा। देखो अच्छे तरह से समझो, यहाँ पर श्री स्वर्णकादि ऋषि लोग कहते हैं ये जो शास्त्र ग्रंथ है ना, अगर कोई सोचे हम तो बहुत लिखा पढ़ा जानते हैं, इसलिए हम अपनी आप गीता भागवत रामायण पढ़ लेगी, ये अपनी आप पढ़ने का चीज नहीं है। ये जो शास्त्र है ना, भले ही हम जितने बड़े विद्वान हो जाए, जब तक हम किसी गुरु परंपरा में नहीं आते हैं ना, शास्त्र को अर्थ को हम नहीं समझ सकते। क्योंकि ये जो ब्रह्म विद्या है ये गुरुमुखी विद्या, ये पढ़ करके विद्या पाने वाले नहीं है। इसलिए एक तो भगवद गीता आप पढ़ करके देखो कितने टिका है, तो एक ही तो गीता इतना टिका कैसे हो गया, शब्द तो एक ही है, भागवत एक ही ग्रंथ, उसको पर इतना टीका कैसे हो गई, इसको एक टीका कैसे होगी। कारण है ये जो शास्त्र ग्रंथ है ये कल्प वृक्ष जैसे है, हमारे हृदय में जैसे भावना है ना, वो ग्रंथ में वैसे ही ग्रंथ दिखने लग जाती है। इसलिए ये शास्त्र को अपने आप पढ़ने वाले वस्तु नहीं। देखो हमारे गुरु जी एक उदाहरण देते, अच्छे तरह से चीज को समझो, जैसे शास्त्र में शब्द है लेकिन उसमें टोन नहीं है, उसमें कोई टोन नहीं, जैसे समझो गुरु जी समझाया करते थे। एक ये कहां पर बज रहा है भैया, उनको बोलो थोड़ी समय के लिए बंद कर दो। हरे कृष्ण, शादी तो हो रहे थोड़ी दिन बाद में। हाँ देखो इसमें ये कैसे शब्द कैसे कहां कहां ये शब्द गति करती है। जैसे एक शब्द है, हमने बताया आप कहां गए थे, शब्द एक ही है। जब हम बोले आप कहां गए थे, इसका मतलब है हमें पता नहीं आप कहां गए थे, लेकिन वही शब्द को जो बदला करके बोले आप कहां गए थे, आप कहां गए थे, इसका मतलब आप जहां गए थे आपको जाना उचित नहीं था, लेकिन वही शब्द को बोले आप कहां गए थे, मतलब आप जहां गए थे हमें पता है, शब्द एक ही है ना। देखो इसका अर्थ अलग हो जाती है। इसलिए जो शास्त्र है ये काम धेनु है, ये कल्प वृक्ष है, हम जैसे दृष्टि से देखना, कर्म दृष्टि से देखे वहां कर्म ही दिखेगा, अगर ज्ञान दृष्टि दिखे वो भागवत ज्ञान ही दिखेगा, योग दृष्टि से देखे वो योग ही योग दिखेगा, अगर भक्ति दृष्टि से दिखे फिर वो भक्ति भक्ति दिखेगा। इसलिए यहाँ पर स्वर्णकादि ऋषि लोग कहते हैं हे सुत गोस्वामी, आप तो श्री सुखदेव गोस्वामी जब कथा कर रहे थे वहां पर 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे, लेकिन ये सुत गोस्वामी सबसे पीछे बैठे हुए थे, लेकिन सारे ज्ञान को उन्होंने आहरण किया।
बोले आप गुरु जी की कृपा से ही समस्त विद्या को अपने अध्ययन किया है, इसलिए आप कृपा करके बताओ ये घोर कलयुग है, हैं? प्रायण अल्पायुष सभ्य कला भस्मीन युगे जना, प्राय करके ये कलयुग में परमायु अल्प आयु है। फिर मंदा सुमंद मतयो, कलयुग में जीव का जो मन है आप देखना स्वाभाविक रूप में गलत काम में जाता है। फिर ये इंटरनेट आ गया, टीवी आ गई, स्मार्टफोन आ गया, ये तो विशेष कर लोगों को बर्बाद, बच्चों को बर्बाद कर रहा है, हैं? ये लोगों को बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है। बोले झुपद्रुता, झुपद्रुता मतलब अगर पत्नी अगर सत्संग में गई, अगर थोड़ी सी प्रभु की कथा सुनकर गीता भागवत भगवान के थोड़ा भजन करे, अगर पति अगर पता चले ना बोले कौन सा बाबा जी के चक्कर में पड़ गई है, ये गीता रामायण माला लेकर बैठी गई, अगर पति भी अगर कहीं सत्संग में जा करके अगर थोड़ी सी भजन करे, पत्नी बोलेगी कोई काम धाम नहीं जब देखो माला लेकर बैठी जाती हूँ। अगर बच्चा अगर प्रभु का भजन करे तो पिता माता बोलेगी ये कोई उम्र है अभी से भजन करने का, अभी से माला कर दी, अभी से क्या धारण कर दी। इसलिए कलयुग में बड़े उपद्रव भजन करना, इसलिए आप तो गुरु जी की कृपा से समस्त विद्या को अध्ययन किया, आप कृपा करके बताओ जीव का कल्याण कैसे होगा। तब यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को 6 प्रश्न किए, और ये 6 प्रश्न का जो उत्तर है ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। आप लोग ध्यान देकर सुना, ये 6 प्रश्न किया है क्योंकि ये 6 प्रश्नों का आधार करके ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिले। हम जीवन में जो कुछ करते हैं केवल शांति के लिए और कोई काम नहीं, केवल शांति सुख के लिए करते हैं। इसलिए इनका पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, ये करोड़ रुपया की प्रश्न है। जो दूसरा प्रश्न है कलयुग में भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है, क्योंकि एक प्रश्न दूसरे प्रश्न में जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक जीवन में हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो तब तक जीवन में शांति हमें कभी मिल नहीं सकती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बारी मत है घृत सिकता ते बरुते बिनो हरि भजन न भगत हरि, ये सिद्धांत अपेर। उनने 7 उदाहरण दे करके बताए, अगर कोई बोले हम पानी को मंथन करते करते घी निकाल दिया, पानी को मंथन करने से घी निकलता है बोलो, कहते इसको मैं मान सकता हूँ। कोई बोले रेती को पीस करके मैंने तेल निकाल दी, रेती को पीसने से कभी तेल निकलता है नहीं, बोले ये भी मैं मान सकता हूँ। कोई बोला आकाश में फूल खिल रहा है, आकाश में कोई फूल खिलता है, बोले ये भी मैं मान लेता हूँ। कोई बोले बांझ का बेटा हो गया, बांझ इसलिए बेटा नहीं है। कोई बोले कछुआ के पीठ के ऊपर बाल आ गया है, कोई बोले खरगोश का सींग उग गया है। उनने 7 उदाहरण देकर समझाए भले ही ये असंभव कभी संभव हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अगर बोलता है हम भगवान की भक्ति भक्ति कुछ नहीं करते हम तो खुश है, गोस्वामी जी कहते मैं कभी भी विश्वास नहीं कर सकता हूँ, हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा। हरि से विमुख हो करके रावण जैसे व्यक्ति उसको भी सुख नहीं मिला जिनकी सोने की लंका है। हम सोचते हैं शायद ज्यादा पैसा होने पर सुखी हो जाएंगे, हैं? ज्यादा रावण के पास में सोने की लंका थी, मंदोदरी जैसे पत्नी थी, मेघनाथ जैसे बेटा था, काल को तो चरणों को प्यार को नीचे दबा कर रखता था, जितने देवता को घर में बांध कर रखा था, स्वयं अग्नि जिसको घर में कपड़ा धुलाई करती थी, वायु झाड़ू लगाता था, ब्रह्मा वेद पाठ सुनाया करते थे। लेकिन शंकर जी क्या कहते हैं, रावण शंकर जी को कहते हैं कदा सुखी भवामियम, हे भोले बाबा कब जीवन में सुखी मिलेगा। यहाँ पर शिक्षा देते हैं भैया भगवान से विमुख होकर के जगत में किसी को भी सुख नहीं मिला। लेकिन रावण लंका में सबके सब बेचैन थे, लेकिन एक व्यक्ति केवल चैन से जी रहा था। कौन जी रहा था बोलो तो, कौन जी रहा था? हाँ विभीषण। क्यों? राम की शरण में था, भगवान की भजन करता था इसलिए सुखी था। इसलिए हनुमान जी कौन, शंकर जी पूरा लंका को जला दिए,
लेकिन केवल एक व्यक्ति का घर हमने छोड़ दिया। किसका घर छोड़ दिया था? विभीषण का घर छोड़ दिया। हनुमान स्वयं शंकर जी संघार करता शिक्षा देते हैं, अगर केवल प्रभु की शरण में रहोगे ना बच्चे रहोगे हैं, अगर प्रभु की शरण में नहीं रहोगे तो समर जाओगे। इसलिए प्रभु राम पूरा लंका को खत्म कर दिया, लेकिन केवल विभीषण को छोड़ दिया। कारण क्या? प्रभु की शरण में थे। इसलिए अगर हम ठाकुर जी की शरण में रहे तो जीवन में सुख में रहेंगे, जीवन में शांति में रहेंगे। इसलिए इनका दूसरा प्रश्न है, कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है? जो तीसरा प्रश्न है, हमें कृपा करके भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी हमें कथा सुनाओ। चौथा प्रश्न है, केवल कृष्ण कथा नहीं बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यः। भगवान ने अनंत हरि कथा अनंत है, इसलिए भगवान की जितने अवतारों का भी कथा सुनाओ। और जो चौथा उनका जो प्रश्न है, हैं चौथा प्रश्न भगवान की जो दिव्य लीलाओं का हमें अद्भुत लीलाओं कथा हमें श्रवण कराओ। और उनका जो छठवां प्रश्न था, भगवान जब ये कलियुग छोड़ करके भगवान जब चले गए, ये कलियुग में धर्म कहाँ पर आश्रय लिया? जब ने ये छह प्रश्न को की, ये छह प्रश्न सुन करके सुतो गोस्वामी का रोम रोम खिली उठा। अरे वाह, तुमने कितने सुंदर प्रश्न किया है, इतना सुंदर तुमने प्रश्न की। ये प्रश्न की उत्तर में केवल हरि की चर्चा होगी, केवल प्रभु की कथा होगी, इसलिए बड़े प्रसन्न हो गए। यहाँ शिक्षा देते हैं, भैया संतों को पास में जाकर के ये दुनियादारी की बात मत करो, संतों को पास में जाकर प्रभु की कथा प्रश्न करो, क्योंकि आत्मा को तब भी शांति मिलेगी जब प्रभु की चर्चा में ही। दुनियादारी की चर्चा करो बैठी करके दुखी दुखी हो जाओ, लेकिन प्रभु की चर्चा करो जीवन में आनंद आनंद प्राप्त मिलेगा। इसलिए इनके प्रश्न सुन करके सुतो गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले पहले मैं अपना गुरु जी को मैं प्रणाम करके फिर तुम्हारी प्रश्न का उत्तर दूंगा। बोले उनको गुरु जी कौन है? बोले श्री सुखदेव गोस्वामी। बोले जम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायन विरह का तर आयु भाव पुत्रेति तन्मयतया तर वो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तुस्मि। बोले मेरे जो गुरुदेव है श्री सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे, लेकिन जब व्यास देव बोले मैया को इतने कष्ट क्यों दे रहे हो बेटा, बाहर निकल के आ जा। बोले नहीं, मैं बाहर निकलना नहीं चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले हर बच्चा मातृ गर्भ में भगवान से वायदा करता है, जब गर्भ में 7 महीना हो जाए बच्चे को, बच्चा बड़ा कष्ट उठाता है गर्भ में, कहते गर्भ में आना नरक में आना बराबर है, टांग ऊंचा सर नीचा रहता है, टाटी पेशाब का थली में रहता है माँ के पेट में, जैसे किसी गटर में आपको फंसा दे, कैसे लगेगी? ये माँ की पेट ऐसे ही है, टाटी पेशाब खून पीक की थली है, हाँ पेट में इतने गर्मी, आज अगर रसमलाई खाओ ना कल बिस्टा बन करके निकलती है, इतने गर्मी पेट के अंदर में, उसको 9 महीना उसको बिताना पड़ता है। उसी समय वो बच्चा भगवान को पुकारता, ठाकुर जी हमें ये नरक से निकालो। भगवान कहते बताओ अभी क्या करोगे? बोले प्रभु जगत में कोई किसी का नहीं, मैंने जिन परिवारों के लिए झूठ बेईमानी करके पैसा कमाए वो सब कहाँ है, साथ में तो कोई है ही नहीं, ये मतलब का संसार है, आप कैसे हो? बोले जब तक जेब में पैसा हो, पैसा गम तुम कौन, ये दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया है, हैं? इसलिए बोले प्रभु एक बार केवल ये नरक से निकालो, मैं कान पकड़ता हूँ, कभी ये झूठा संसार में फंसूंगा नहीं, उठते बैठते सोते तेरा नाम लूंगा, यही हम वायदा लेकर के आए। भगवान बोले ऐसे नहीं कष्ट पा करके वायदा कर रहे हो, ऐसे नहीं अगर जन्म दे दूंगा फिर मेरे को भूल तो नहीं जाओगे? बोले प्रभु कभी नहीं भूलूंगा। बोले देखो अगर भूल जाओगे ना, बीच बीच में तेरे को वार्निंग भी दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे?
ध्यान देकर सुनो, ये ठाकुर जी भगवान कपिल देव अपने माँ को ये बात कहते हैं, बोले पहला वार्निंग जब एक बाल पक जाए मेरे, फर्स्ट वार्निंग। अब ध्यान देकर देखना, जब बाल पकता है ना यहीं से, आप लख करके देखना, कान में पहला बेल दे दिया, बोले तुम गर्भ में क्या वायदा करके आया था, भजन करोगे ना, हरिनाम करोगे, कितने समय टीवी देख रहे हो, कितने समय इधर उधर की बात करते हो और कितने समय माला जप करते हो, इसलिए पहला वार्निंग दे दिया। लेकिन जब एक बाल पक जाए ना, उसका हम उखाड़ देते हैं, बोले इतना जल्दी हमको बूढ़ा बूढ़ी बना रहे, हमारे कुछ नहीं हुआ। और दूसरा बाल पक दिया, उसको भी उखाड़ देते हैं। जब खिचड़ी बन जाती है ना, फिर मेहंदी, फिर कलर कर देते हैं, बोले हमारा अभी कुछ नहीं हुआ। अभी भगवान दूसरा वार्निंग देते हैं, बोले क्या, बोले आंख में कमजोरी आ जाती है, फिर बढ़िया चश्मा लगा देते हैं। भगवान तीसरा वार्निंग देते हैं, बोले क्या है, बोले जो खिलखिला करके हंस रहे हो ना, एक एक दांत तोड़ना शुरू करूंगा। ये एक एक वार्निंग है, लेकिन पूरा जब दांत टूट जाए, फिर डेंटिस्ट को पास में जाकर 32 दांत लगा कर खिलखिला कर हंसते, बोले मेरा कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते फिर फोर्थ वार्निंग दूंगा, बोले क्या दोगे, बोले दो प्यार से तीन प्यार हो जाएंगे, डंडा पकड़ना शुरू करोगे, डंडा पकड़ना शुरू करोगे। फिर फिफ्थ पंचमा वार्निंग नहीं, क्या करूंगा, राम नाम सत्य है। देखो ये भगवान ये एक एक वार्निंग देते हैं, समय रहते भगवान की भजन कर लो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, आए थे हरि भजन को, किस लिए आए थे, कि जीवन किस लिए दिया है, संसार के लिए नहीं आए, कोई शास्त्र नहीं कहते संसार के लिए आए हो, आए थे हरि भजन को, केवल प्रभु की भजन के लिए ही ये जीवन है। इसलिए भगवान राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, कहते ये मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति की दरवाजा पर तू खड़े हो, ये 84 लाख जो नहीं भटकते भटकते, अगर ये जीवन पा करके भजन तुमने नहीं किया तो फिर वही 84 लाख जनी में फिर जाना पड़ेगा। इसलिए हमें समय रहते रहते क्या करनी चाहिए, भगवान की भक्ति हमें कर देनी चाहिए, हैं? इसलिए एक बार मेरे साथ में हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे, जो पीछे बैठे हुए हरे राम, जो पीछे बैठे हुए हो, मैं देखता हूँ कुछ कुछ का मुंह से प्रभु का नाम भी नहीं निकल रहा है। हम इतने समझा रहा हूँ, ठाकुर जी इतना समझा रहे हैं, ये जीवन पाते हुए भजन करो, क्योंकि 84 लाख जीवन में एक ही जीवा मिला है, जिस जीवा से प्रभु का नाम ले सकते हैं, और किसको बोले राम राम कृष्ण कृष्ण बोले कोई ले सकते, कोई नहीं ले सकते। इसलिए भगवान कहते हैं मुक्ति के द्वार है, ठाकुर का नाम लिया मतलब क्या बड़ा पा रहे हैं, ठीक है ना, सब जोर जोर से बोलो मेरे साथ में, बोले हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। इस बार आप लोग लो, मैं सुनूंगा, देखूंगा कौन लेते हैं, जोर से देखो, अब झगड़ा हो ना, यहाँ झगड़ा हो दूसरे गांव में पता चलता है इस घर में झगड़ा होता है। देखो इधर सुना, शास्त्र कहता है जो भगवान का नाम लेता है ना, उसका 3 काम हो जाता है, कितना काम हो जाता है, जोर से बोलो, मैं आज बोलूंगा कल आपसे सुनूंगा, ठीक है, ध्यान देकर सुनो, कितने प्रभु का नाम लेने का महिमा है। कहते जो व्यक्ति प्रभु का नाम जप करता है, कहते जमपुरी में यम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, चित्रगुप्त कौन है, गुप्त मतलब होता है छुप करके, चित्र मतलब फटो, बोला हम लोग जो कुछ करते हैं वो उसको पास में सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, सारे को सारे रिकॉर्डिंग हो रही है, मरने के बाद कापी खुलेगा कितने पाप और पुण्य हमने किए, इसलिए उसको नाम कहते चित्रगुप्त। अगर कोई सोचे चारी तरफ में दरवाजा बंद करके मैं कुछ कर रहा हूं, कौन देख रहा है, अगर दिन में करते हैं ना ये सूर्य का किरण सब जगह पर, ये साखी, अगर रात में करते हैं ये रात्रि साखी है, 10 दिशाएं साखी हैं, कोई भी काम को हम छुपा करके नहीं कर सकते हैं, कोई भी काम को सब रिकॉर्डिंग हो रही है, और मरने के बाद सब रिकॉर्डिंग चित्रगुप्त सब खुलेगा, काफी खुलेगा, आप यहाँ बैठ करके जो भागवत कथा सुन रहे ना वो भी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप बैठ कर कथा सुन रहे हो, हैं? इसलिए वो कहते हैं जब भगवान की कोई नाम ले, जब महाराज
चित्रगुप्त को बोलते हैं, बोले रजिस्टर ले आ, बोले क्यों, बोले इसका नाम को यहां से काट दो, इसका नाम को काट दे, बोले क्यों, ये बोले कभी ये जमपुरी नहीं आएगा, कभी नरक नहीं जाएगा, क्यों, ये ठाकुर का नाम ले रहा है। दूसरा काम क्या होगा, बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहती है, बोले रजिस्टर ले आ, बोले इसका नाम को लिख दे, बोले क्यों, बोले ठाकुर का नाम जप कर रहा है ना, ये सीधा गोलोक वृंदावन आएगा, ठाकुर के धाम में जाएगा, मेरे पास में वो आएगी। तीसरा काम किया, बोले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आरती की थाला सजाना शुरू कर देते हैं, बोले जब ये व्यक्ति भूर भुव मोह जन तप सत्य लोग होकर के भगवान का धाम में जाएगा, उसको रास्ता में मैं आरती उतारूंगा, रास्ता में उसको आरती उतारूंगा। इतने महिमा जो ठाकुर का नाम लेते हैं, आप लोग तो भारतीय भारतीय है, आप देखना भले ही जीवन में जो कुछ करना करो, लेकिन जब शरीर छूटता है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, उस समय क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, सुने कि नहीं, उस समय में यही तो बोलते ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा, किसको सुनाते हैं, और जो ऊपर लेटा हुआ था ना उसको ही सुनाते हैं, बोले बेटा जितने तुमने राम और कृष्ण का नाम लिया है वही तेरे साथ में जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जीवन में जो कुछ किया है एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रहा। पत्नी जाएगी तो रो रो कर दरवाजा तक जाएगी, परिवार जाएंगे तो शमशान तक, उसको आगे तुम्हारी कोई भी काम में आने वाले नहीं। इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, क्या जीवन में तुमको मिला है, जितने राम और कृष्ण का नाम लिया यही मिला, जग में सब ही खोबायो। इसलिए मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को जितना दूर हो सके यहाँ पर बैठे हो, कम से कम इसी धन को आप लेकर के जाओ। इसलिए मीरा कहती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूं गली गली, जिन जिन ने ये मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिर वो कांगाल हुए। इसलिए मेरे गुरु जी कहते थे, बुरा मत समझो, कोई कोई कहते किसको बोला थोड़ा माला जप कर, बोले समय कहां है, बोले समय नहीं, बोले बच्चों के लिए कुछ पैसा कमा करके जाओ, बच्चों के लिए कुछ पैसा कमा करके जाओ। गुरु जी कहते थे बच्चों के लिए ज्यादा पैसा मत कमा करके जाओ, गुरु जी कहते थे, बोले क्यों, बोले बच्चा अगर होना होगा तो कमा ही लेगा, अगर बच्चा नालायक बनेगा ना, जितने तम कमा करके जा रहे हो जुआ दारू पी करके मांस खा करके सब बर्बाद कर देगा। इसलिए ऐसे धन कमाओ इसी जीवन में जिसका मालिक तुम ही बनो, और अगली जीवन में पूरा के पूरा ही तेरे साथ में जाएगा। वो कौन सा धन है, ठाकुर जी का नाम धन है। इसलिए मीरा कहती है, चोर नहीं लबे लूटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सवाय, और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए हम कोशिश इसलिए करता हूं, देखो भागवत का जो सार है ना, प्रभु का नाम ही है। देखना भागवत जब समाप्त तो होगा, वो अंतिम श्लोक है, बोले नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम स्तम नमामि हरि। भागवत अंत में ही कह रहे हैं, जीवन में प्रभु का नाम संकीर्तन से ही सब पाप खत्म होगी, और प्रभु का नाम ही साथ में जाने वाले। इसलिए भागवत का जो सार है ना, वो ठाकुर जी के नाम है। अगर ये जीवन में प्रभु का नाम को अगर जीवन का सार बना दिया तो समझो बस जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए मैं इतने कोशिश करता हूं कम से कम यहां पर जब तक बैठो कम से कम तो कमा करके जाओ। इसलिए सबके सब मेरे साथ में बोला हाथ उठा करके, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हाँ इस बार आप लोग बोलो, मैं सुनूंगा देखूंगा, जोर से और जोर से और जोर से जोर से बोलो। देखो गुरु जी उदाहरण देते थे, जैसे एक पत्थर उठाओ पानी में फेंको, देखना उसमें लहरी आएगी है। इसलिए जैसे यहां पर प्रभु का नाम ले रहे ना, जितना दूर तक इसकी शब्द जाएगी, जितने दूर तक जाएगी, कितना मंगल भवन अमंगल हरि, सारे अमंगल को खत्म कर देगा। इसलिए हनुमान जी दिन भर क्या करते, यही तो करते ना, रघुपति राघव राजा राम पति तपावन, यही तो प्रभु का नाम करते है ना।
शंकर जी बताओ शंकर जी क्या करते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं महामंत्र जयी जपत महेशा काशी मुक्ति हेतु उपदेशा। शंकर जी पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, शंकर भी यही प्रभु का नाम जप करते हैं। अब माता जी की आठ हाथ देखना, देखना एक हाथ में माला देखोगे, ये माता जी प्रभु के नाम जप करती हैं। एक समय माता जी शंकर जी से पूछे, बोले प्रभु हम किसकी नाम जप करनी चाहिए? शंकर स्वयं कहते हैं, बोले राम रमति रमति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम अभिस्तुल्यम श्री राम नाम बरन। शंकर खुद कहते हैं, बोले पार्वती 1000 विष्णु नाम लेने से जो फल मिलेगा एक बार राम नाम से वही फल मिलेगा। तभी से माता पार्वती माला में प्रभु का नाम जप करती। अब ब्रह्मा जी की चार हाथ देखोगे, एक हाथ में माला है। सरस्वती की चार हाथ देखोगे, एक हाथ में माला है। ये जितने 33 करोड़ देवता देखोगे ना, ये सबके सब ठाकुर जी की नाम ही जप करते हैं सबके सब। इसलिए एक भजन है, बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। माला जपी थी यशोदा माई, माला जपी थी यशोदा माला जपी थी यशोदा माई, माला जपी थी यशोदा माई, अखिल गया भूल बहे जपेगा कोई दिल वाला, अखिल गया भूल की बहे जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। माला जपी थी अंजना माने, 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 अमित जया नजर नबाला जपेगा कोई दिल वाला, अमित जया नजर नबाला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। आ माला जपी थी वीरा बाई, माला जपी थी वीरा बाई, आ माला जपी थी वीरा बाई, माला जपी थी वीरा बाई, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, 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 कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल माला जपी थी गौरा माई, माला जपी थी गौरा माई, माला जपी थी गौरा माई, अखिल गया झंडू माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा
जगा कोई दीवाना राम नाम की माला जगा कोई दीवाना श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम की राम नाम की माला जपेगा कोई जपेगा कोई दिल्ली वाले नहीं है दिल्ली वाले नहीं है कौन है दिल वाले मतलब जिसका दिल मजबूत है जिसका दिल मजबूत वही व्यक्ति प्रभु का नाम जप कर सकता नहीं तो कभी कभी देखना कुछ लोगों को शर्म लगता है अगर माला जप करेंगे लोग बोले क्या तुम बाबा जी बन गए हो हाँ तुम क्या बाबा जी बन गए हो इसलिए कुछ कुछ लोगों को शर्म लगता है नहीं भगवान की भजन के लिए कोई शर्म नहीं करनी चाहिए प्रभु का नाम तो दिल खोल करके आनंद से प्रभु का नाम लेनी चाहिए ठीक है ना सबके सब एक बार हाथ उठा करके बोलो बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे देखो जैसे यहाँ भगवान का नाम जप किया ना जैसे एक बार नाम लिया देखो कितना फल है आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे जो राधा कृष्ण कलयुग में श्री दोनों मिलकर के चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए एक दिन भक्तों ने उन्हें निमंत्रण दिया बोले प्रभु आज हमारे घर में उनका भोजन है भगवान एक चीज को शिक्षा देने के लिए बोले देखो मैं सबको घर में भोजन नहीं करता तो भक्तों ने बोला प्रभु आप किसको घर में भोजन करते हो बोले जो लखपति बनेगा जो लखपति आज से 5.5 साल पहले लखपति मतलब है जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा उसको घर में भोजन करो क्योंकि आज से 5.5 साल पहले भक्त लोग तो दुखी हो गए बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं होगा आप तो कहां लाख की बात करते हो हैं 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण मुद्रा हो इतने में भगवान सब भक्तों को बैठा करके समझाए बोले जानते हो असली लखपति कौन बोले कौन है बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी के नाम जप करते हैं वही असली लखपति है जो 1,00,000 ठाकुर जी के नाम जप करते हैं आप मेरे तरफ में देखो आप लखपति कैसे बनोगे ध्यान देकर देखो पहले अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो कौन कौन अमिताभ बच्चन का नाम जानते हो सब जानते हो कुछ दिन पहले टीवी में आता था कौन बनेगा करोड़पति आता था ना कौन बनेगा करोड़पति यहाँ पर भगवान कहते कौन बनेगा लखपति आप लोग देख लो लखपति कैसे बनोगे ध्यान देकर देखो जैसे ये माला है इसमें 108 मोती है जब ये माला को हम जप करते हैं जैसे आप लोग मेरे साथ साथ बोले देखो यहाँ पर कितने भक्त बैठे हुए माना 200 भक्त बैठे हुए लेकिन एक बार तो आपने नाम लेके लेकिन 200 बार नाम लेने का आपको फल मिलेगा क्योंकि जब आप नाम करते हो ये नाम दूसरों को कान में भी पड़ता है दूसरों को भी इसका पुण्य मिलेगा हैं जैसे मेरे साथ में सबके सब बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल करके उसमें 1 मोती सरकता है जब 2 बार बोलता है मेरे साथ में बोलो सीख गए ना बोलो जोर से बोलो हरे देखो जो करेगा तो पाप तो उड़ जाएगी लेकिन पाप बैठेगा कहां पर जो बोलेगा नहीं इसे सबके सब बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे 2 मोती सरकेगा देखो 1,00,000 कैसे होता है जैसे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कितना बार हो गया बोलो 16 बार हो गया जब 1 मोती हम सरकाते 16 बार हो जाता है दूसरे मत में 2 16 बार जब करते करते जब यहाँ खत्म हो जाए इसको पार नहीं करते क्योंकि राधा कृष्ण का रूप फिर हम घुमा करके दूसरे तरह से करते हैं अगर ऐसे अगर 16 राउंड कर लिया 16 माला और हिसाब से होता है 25,000 अगर हमने 64 माला कर ली तो हो गया 1,00,000
ये भगवान खुद कहते हैं, बोले तुमने 100,000 माला नहीं की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 100,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई। भगवान खुद कहते हैं ये बात को, भैया ब्याज कितना मिलेगी, ब्याज तो कुछ मिलनी चाहिए ना, इसलिए मीरा कहती हैं, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतने हर पायो। आज अगर 100,000 नाम किया ना, एक दिन में कल आपको 125,000 मिलेगी और 4 दिन में 2,00,000, 4 दिन में बल्कि इतने जल्दी ये इंटरेस्ट देगा, इतने सूद बढ़ता है। और ये माल जो है ना, ये माल कब मिलेगा, जब आप जाओगे इस संसार से, इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, ये धन पूरा के पूरा आपको मदद करेगा, ठाकुर जी को पास में ये सारे धन मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए ये भगवत नाम लेने का, एक बार तो नाम लिए, लेकिन सबका आवाज जब सभी की कान में जाएगी, सबका ये फल मिलेगा। इसलिए आप सबके सब ठाकुर जी की हरि नाम करो, भगवान का नाम लो, जिस घर में ये ठाकुर जी का नाम हो वही घर ही वृंदावन है, वही घर ही भगवान का वैकुंठ धाम हो जाता है, जिस घर में सबके सब ठाकुर जी की नाम जप करते हैं। इसलिए आप लोग सवेरे उठ करके सबके सब भगवान की नाम जप करियो। ये कलयुग में ठाकुर जी सबसे सरल उपाय दिया, कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, यज्ञ तपस्या ध्यान कुछ भी करने का जरूरत नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पाला, भगवान सबसे सरल उपाय दिया, ठीक है। अभी हमारे बीच में खड़े जाए हमारे प्रभु जी, ये भागवत ग्रंथ को जो बताए हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, ये सुखदेव गोस्वामी और उन्होंने भागवत में श्री पितामह भीष्म की कथा आती है, ये प्रभु जी आपको ये पितामह भीष्म की कथा आपको सुनाएंगे। देखो मैं आपको बता रहा था सबकी घर में बच्चे प्रभु का भजन करे, आप लोग तो ब्राह्मण अक्सर करके ब्राह्मण हैं, मैंने सुना ये स्थान अभिर्न काशी मानी जाती, यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान लोग रहते थे पहले, सब बुजुर्ग लोग बताते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे वो संस्कृति धीरे धीरे घटते जा रही है, क्योंकि इंटरनेट स्मार्टफोन और ये सब चीज आकर के बच्चों को बिगाड़ रही है। लेकिन हम चाहते हैं आपका यहाँ के जो दूसरा काशी बताया जाता था, हम चाहते हैं पुनः ये धाम दूसरा वाला काशी बन जाए, इसलिए आपके बच्चों को हम चाहते हैं जो यंग जनरेशन है, ये जो बच्चा है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, ये आडॉप में ये नौकरी करता था, जिसका जिसका तनखा थी 100,000 रुपया था इसकी तनखा, लेकिन ये जीव कल्याण करने के लिए हमारे भारत वर्ष जो सनातन धर्म हिंदू धर्म जगत में प्रचार और प्रसार हो, इन्होंने ये नौकरी छोड़ करके इसी भक्ति में ज्वाइन किया। हम जा करके स्थान स्थान में भगवान की भक्ति के धर्म प्रचार करें, इसलिए हम आपको बच्चों को जो यंग जो लिखे पड़े बच्चे हैं, ये उनको साइंटिफिकल रूप में भगवान डज गॉड एग्जिस्ट, क्या सचमुच से भगवान है कि नहीं, सर्च फॉर हैप्पीनेस, जीवन में हम कैसे मिलेगी, हु आम आई, हम ये शरीर ना ये आत्मा है, ये फिलोसफी रूप में साइंटिस्ट रूप में साइंस रूप में ये बच्चों को क्लास देगा। हम चाहते 2-3 दिन यहाँ पर क्लास देगा बच्चों को, हम चाहते आपका जो यंग बच्चे हैं आप लोग सबको बुलाना यहाँ पर, आपको हम बता दें कि 2-3 दिन वो क्लास को ये बच्चे सबको क्लास देगा, जैसे आपकी बच्चों को अंदर में अच्छी संस्कार आए, सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छुए, पिता माता की आदेश पालना करे, गुरुजन को बच्चों ने सम्मान प्रदान करे, हम चाहते हैं हमारी सनातन धर्म जगत में प्रचार हो, इसलिए आप लोग अगर बच्चों को अगर बुलाओगे यहाँ पर ये बच्चों को क्लास देगा, ठीक है। कौन कौन चाहते हो, चाहते हो सबके सब हाथ उठाओ, कोई के चाह ही रहे हो हाथ उठाओ, कौन कौन चाहते हो ऐसे, ठीक है ना, ठीक है। अब ये बच्चा आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, इसी इसी तो विषय छोड़ के ना इनको इसी विषय जगत बोलो, भीष्म स्तुति नहीं सुना कर इसी जगत का क्या चल रहा है कैसे इसको भी सुना। अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द
एक बार सभी मेरे साथ साथ बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। यहाँ इस भगवान के नाम को लेने वाले जिन जिन लोगों का कुछ भी घाटा होगा, किसका नुकसान हो रहा है, तो वो मैं भरपाई कर दूंगा। अगर कुछ लाभ होता है तो सारा लाभ आपका, लेकिन कुछ घाटा होगा तो मैं देने को तैयार हूं। एक बार सभी जोर से बोलिए भगवान के नाम को, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी भी कुछ पीछे के जो श्रोता है उनकी कसर रह गई है। भैया कुछ नुकसान हो रहा है तो बताओ हमें, हम देंगे। एक बार सभी दोबारा बोलिए जो लोग छूट गए हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरि कथा श्रोत मंडली सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। महाराज जी जो अभी वर्णन कर रहे थे किस प्रकार आजकल के युग का जो चलन है, किस प्रकार हम माने जो पुराने लोग थे उनकी बात नहीं चल रही है, आज की जो पीढ़ी है, आज की जो नई जनरेशन है, अपने आप को बड़ा सभ्य मानती है। किस प्रकार? इंटरनेट के द्वारा, अपने हाथों में स्मार्टफोन लेकर ऐसा मानती है कि पूरा त्रिभुवन हमने हाथों में रख रखा है ना। तो इस नई पीढ़ी 21वीं सदी की जो पीढ़ी है उसकी दुर्गति को देखकर सचमुच में संतों को हृदय में बड़ी दया होती है। क्यों? क्योंकि जिन पाश्चात्य देशों को हम फॉलो कर रहे हैं, जिस अमेरिका को, जिस ब्रिटेन को हम फॉलो करके उनकी संस्कृति को अपनाना चाह रहे हैं, वहां की दुर्दशा को अगर एक बार विचार करेंगे तब पता चलेगा कि हम किस गर्त की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप देखो अमेरिका की, जहां पर इतने विशाल विशाल बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े सुंदर सुंदर रोड हैं, बड़े अच्छे अच्छे वहां पर मॉन्यूमेंट्स भी हैं, लेकिन वहां की जनता के जो रहन सहन को हम अपनाना चाह रहे हैं, वहां की जनता क्या इस चीज को अपनाकर सुखी हो पाई है? आज के समय पर सब चेष्टा करते हैं प्रसन्न होने की, हाँ कि ना। एक बच्चे से लेकर एक बड़े को आप देख लो, सभी लोग पूरे दिन भर में जो भी क्रिया करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, किस लिए? सुखी रहने के लिए। सब चाहते हैं ना सुखी रहना, कोई दुखी होना चाहता है? कौन कौन है जो दुख को आमंत्रित करता है, हाथ उठाओ देखे, कौन कौन दुख चाहता है? कोई नहीं चाहता दुख, है ना। सभी चाहते हैं हम हंसी खुशी रहें, हम प्रसन्न रहें, लेकिन विचार करके देखो क्या हम जो कर रहे हैं उसे सुख प्राप्त हो रहा है, उसे सुख प्राप्त नहीं हो रहा। अगर हो जाता, अगर हम सुखी हो जाते तो इसके लिए प्रचेष्टा ही नहीं करते, लेकिन हमारी अभी भी चेष्टाएं हैं। एक बच्चे को देखो, जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसकी खिलौनों में बड़ी आसक्ति होती है ना। आप बच्चे को एक छोटा खिलौना दो और दूसरी तरफ उसको एक सोने का सिक्का दे दो, हम जैसा कोई होगा तो फट करके सोने का सिक्का पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है सोना कितना महत्वपूर्ण है, कितना कीमती है, लेकिन एक बच्चे को खिलौने में ही आनंद होता है। जैसे ही वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है उसको क्या होता है, अपने दोस्तों में आनंद मिलता है, दोस्तों के साथ खेलने कूदने में बड़ा मजा आता है। उस समय पर उसको छोटे छोटे खिलौने दोगे तो उससे वो प्रसन्न नहीं होगा, सच है कि नहीं? यही सत्य है। और थोड़ा बड़ा हुआ तो एक पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, एक स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण होता है। और थोड़ा बड़ा होने पर एक व्यक्ति अपने परिवार में सुख ढूंढता है, किस प्रकार पत्नी को प्रसन्न कर लूं, किस प्रकार बच्चे खुश रह जाएं, किस प्रकार परिवार हमारा सुख शांति से चले, घर में थोड़ा पैसा कमा लूं। पैसा कमा के बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती है, अपनी गाड़ी लेंगे, अपना घर होगा, अपना फ्लैट होगा, है ना, समाज में इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। सब चेष्टाएं करते हैं प्रसन्न रहने के लिए, लेकिन अंततः जब शरशैया पर लेट, जब मृत्यु का समय आता है, उस समय पर कुछ भी, तब तक भी तृष्णा खत्म नहीं होती। विचार करके देखो, अगर खिलौनों से सुख मिल जाता तो उससे उसके अलावा हम और चीज की चेष्टा क्यों करते? अगर मोबाइल से, शुरू शुरू में, अभी तो मोबाइल काफी नॉर्मल हो गया है, लेकिन हम जब स्कूल में थे तब उस समय पर मोबाइल किसी के पास में होना बड़ी भारी बात थी। हमारे पिताजी ने हमको जब 5,000 रुपए का एक मोबाइल खरीद के दिया तो हमने सभी दोस्तों को दिखाया, बोले देखो हमारे पिताजी ने हमें नया मोबाइल लिया है। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद में हमने देखा कि वो ही मोबाइल, उसका दाम 2,000 रुपए भी नहीं रहा।
लोगों ने बड़े कष्ट करके, हम जब ऑफिस में काम करते थे, लोगों ने लोन ले ले करके और आईफोन खरीदा, iPhone 10, और 6 महीने बाद में उसी आईफोन की कीमत 10,000 रुपए घट गई। लोन अभी तक चुकता भी नहीं हुआ था, लेकिन आईफोन की कीमत 10,000 रुपए घट गई। अगर हमें आईफोन सुख दे सकता था तो फिर वही आईफोन दुख का कारण क्यों बना? वही आईफोन दुख का कारण बना, भैया 6 महीने पहले मेरे इसका लोन भी चुकता नहीं हुआ है और अभी इसकी पैसा 10,000 रुपए घट गया, है ना। आप इस जड़ जगत की कोई भी चीज देखो जिससे हम सुख प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, वह अंततः हमें दुख ही प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने इस जगत को बनाया ही ऐसा है। भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। आप एक कुम्हार के पास में जाओ, कुम्हार के पास में क्या मिलेगा? मिट्टी के बर्तन मिलेंगे। वहां पर अगर उससे आप जाके स्टील के बर्तन मांगो, वो आपको दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। आप कहीं हॉस्पिटल में जाओ, वहां पर आपको दवाइयां मिलेगी, हाँ कि ना? वहां पर दवाइयां मिल सकती है। अगर उससे कहो कि हमें फल दे दो, वो फल दे पाएगा? फल नहीं देंगे डॉक्टर वहां पर। उसी प्रकार जैसे पुस्तकालय में जाओ, पुस्तकालय में जाकर आपको पुस्तक मिलेगी, चिकित्सालय में जाकर आपकी चिकित्सा होगी। उसी प्रकार भगवान कहते हैं ये संसार दुखालय है, यहां पर आपको दुख के अतिरिक्त कुछ मिल ही नहीं सकता, लेकिन हम फिर भी सुख के लिए चेष्टा कर रहे हैं। अभी प्रश्न उठता है तो क्या हम कभी यहां सुखी नहीं रह सकते? हम जो इतना कुछ करते हैं सुखी रहने के लिए, क्या हम सुखी नहीं रह सकते? भगवान कहते हैं सुखी रह सकते हो। कैसे? जब तुम अपना संबंध मेरे साथ स्थापित कर दोगे, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पाश्चात्य जगत को अपनाना चाहते हैं, वहां के जैसा खान पान अपनाना चाहते हैं, वहां के जैसा रहन सहन अपनाना चाहते हैं। अरे अमेरिका की जैसी स्थिति है वो एक बार विचार करके देखो, वहां की न्यूज हेडलाइंस आप पढ़ के देख लेना स्वयं, 80% लोग वहां पर डिप्रेशन के पेशेंट है। रात में जब तक नींद की गोली नहीं खा लेते तब तक उनको नींद नहीं होती, डिप्रेशन पिल्स लेते हैं तब जाकर चैन की नींद किसी तरह से सो पाते हैं। अगर वैसा कल्चर अपना के वो सुखी हो जाते तो उनको भारतीय संस्कृति के प्रति इतना रुझान क्यों होता? आप वृंदावन जाकर देखना, हम तो वहीं रहते हैं, हमने देखा है साक्षात कितने ही विदेशी लोग हमारी तरह मुड़ मुड़वा कर और भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। महिलाएं जिनके यहाँ जीन्स टॉप और छोटे कपड़े पहनने का कल्चर है, वो सब परित्याग करके और भारतीय संस्कृति की साड़ी सूट ये सब पहनकर और वृंदावन की गलियों में भगवान कृष्ण का नाम लेते लेते घूमते हैं। ये है अमेरिका लोगों का सुख प्राप्ति की चेष्टा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो रस को चूस चूस कर फेंक दिया है, जिन्होंने उन्होंने उन्हें पता चल गया है कि इसमें रस नहीं है, इसमें सुख नहीं है, उसी चीज को, उन्हीं के झूठन को हम अपना कर और सुखी होने की चेष्टा कर रहे हैं। बताओ ये मूर्खता है कि नहीं? ये सबसे बड़ी मूर्खता बताई गई है। इसीलिए हमारा भारतीय संस्कृति इतनी समृद्ध है, हमारे भारतीय शास्त्रों के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर जो कुछ भी बातें बतलाई गई है एक एक बात साइंटिफिक है। उदाहरण के तौर पर चेक देखो, हमारे घरों में तुलसी की पूजा होती है, होती है ना, भारतीय घरों में सभी में ही आंगन में तुलसी का वृक्ष होता है और तुलसी की हम पूजा करते हैं। अभी जब कोरोना का समय आया था, सबसे ज्यादा मेडिसिनल बेनिफिट्स किसके हुए थे? तुलसी के। रामदेव बाबा ने जो कोरोनिल निकाला था 80% उसके अंदर कॉम्पोजिशन तुलसी का था, बाकी अन्य चीजें थी। तुलसी पावर एक मेडिसिन होती है, आप लोग खरीद के देखिएगा, कितनी ही सारी बीमारियों का इलाज उस तुलसी के अंदर है। लेकिन हम भारतीय उस वृक्ष को तो पूजा करते ही हैं। तुलसी के मेडिसिनल बेनिफिट से यदि हम अवगत ना भी हो तब भी उसको एक वृक्ष मान के उसकी पूजा करते हैं। तुलसी ही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो ऑक्सीजन देता है। हमारे आंगन में रोपित करते हैं ना हम तुलसी को, तुलसी के आसपास आप देखोगे इतने एक ऐसे बैक्टीरिया घूमते हैं जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को खा जाते हैं। तुलसी एक पवित्रता का संचार करती है अपने आसपास के वातावरण में, इसीलिए तो हम तुलसी वृक्ष को हमारे आंगन में लगाते हैं। ये तो हमारे शास्त्रों में कभी से वर्णित है। लेकिन अभी के साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, उसी तुलसी पर एक्सपेरिमेंट करके, रिसर्च करके और उसके जो फायदे हैं उनको हमें बतला रहे हैं। क्या हमें उस चीज का पता नहीं था? हमारे शास्त्रों में तो वो चीज पहले से ही बता दी गई है। ऐसे ही कई सारे उदाहरण हैं जो हम हमारे शास्त्रों में वर्णित है और हम उनको अपनाते थे। गैया पाल रहे हैं घर घर में। देखो पहले हम गैया पालते थे, आप देखो गैया के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, ये तो हमने शास्त्रों में पढ़ाई है। गैया का और कुछ तो बात छोड़ दो, गौमूत्र और गोबर, मूत्र और जो विष्ठा होती है वो तो सब
त्यजनीय होता है, उसको तो कोई भी व्यवहार नहीं करता। लेकिन गैया एक ऐसा पशु है जिसका गोबर और गौमूत्र वो भी परम पवित्र माना जाता है। घर में कभी कोई होता है, हम गोबर लाकर उस स्थान को पवित्र करते हैं। जो कोरोना आए थे ना, जो व्यक्ति ये गोमूत्र ले रहे थे उनको ऊपर में कोई अफेक्ट नहीं कर रहा था। जो व्यक्ति ये गोमूत्र को ग्रहण कर रहे थे कोरोना की कोई, जब हमारे साथ में जो भजन गाते हैं ना, कितना दिन से उन्होंने बीमारी थे, गला की बीमारी, बहुत बीमारी थी, प्रभु जी को पूछ लो, इन्होंने जब से ये गोमूत्र मिला प्रारंभ की, सारी बीमारी अपने आप नष्ट हो गई, सारी बीमारी। इसलिए हमारे घर घर में गैया को यहाँ पर भी देखा, हम लोग तो ब्राह्मण लोग हो, बड़े भाग्यवान, घर घर में गैया देखा। हमारी मंदिर में के बाबा, उसको श्वास का बीमारी हो गया था, उन्होंने बहुत उन्हें दवा लिए सही नहीं, लेकिन हमारी मंदिर में एक गौशाला, जब से उन्होंने गौशाला में गैया की सेवा शुरू की, सारी बीमारी से कोई दवा लेने का जरूरत नहीं पड़ी है। इसलिए लेकिन अभी दुर्भाग्य का बात है, आप लोग तो गाँव में बहुत अच्छे हो, लेकिन अभी घर घर में गैया पालते थे, अभी घर में कोई गैया नहीं पालकर कुत्ते पालते, और घर का सामने लिख देते कुत्ते से सावधान। क्या लिखते हैं घर में? कुत्ते से। बोले घर में कौन रह रहे हैं बताओ? कहते कुत्ते से सावधान। इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति पहले थी ना, बहुत अच्छी संस्कृति है। जब तक ये भारतीय संस्कृति कब अपनाएंगे समझो, हमारे घर में शांति और सुख बनी रहेगी। जब अपना भारतीय संस्कृति को छोड़ करके हम अंग्रेजियों का खान पान रहन सहन, आप लोगों को तो पता नहीं, हमारे मंदिर में सब अंग्रेजी लोग आते हैं, गले में कंठी, तिलक माला, भजन। हम तो हिंदू है, आपको पूछे कोई गीता का श्लोक पूछो, कोई गीता का श्लोक होता है कोई बोल सकते हो? लेकिन पूछो कौन हीरो का नाम क्या, हीरोइन का नाम, सब याद है, सारी गद्दी गद्दी चीज को याद करके बैठे हुए। लेकिन अपना संस्कृति को धीरे धीरे हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, इसलिए हमारे धर्म की इतने हैं, इतने दुर्गति हो रही है। इसलिए आप लोग कोशिश करो अपना संस्कृति को उजागर करने के लिए हम इसलिए आए हैं। अब सबको बच्चों को, ये जो बच्चा है ना, अब सब बच्चों को क्लास देगा, दो तीन दिन लास्ट में जो यंग बच्चे हैं उनको ये क्लास देगा, अच्छी क्लास देगा, कैसे उनका अंदर में भक्ति की भावना जागे, पिता माता को आदर करे, सबको सम्मान दे, भगवान की भक्ति करे है, और जीवन में सुखी रहे कोशिश करेगा। लास्ट जो तीन दिन रहेगी, वो तीन दिन में आपको जितने यंग बच्चे हैं सब यंग बच्चों को ये क्लास देने के लिए, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। अब एक बच्चे थोड़ी सी कथा सुनाएगा, उसके बाद में भजन, अरे आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाए प्रभु। आज क्या प्रसाद बना है? अरे बोलो आज क्या प्रसाद बना है? हाँ क्या बना है? ब्रेड पकौड़े बनाए, ब्रेड पकौड़े और चकला चक मूली बनी है। सब प्रसाद लेकर जा, बोलो। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रथमं मेरे गुरुपादपद्मं विष्णुपादाष्टोत्तरशतसिंह श्रीवान् श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव का आदेश है कुछ कथा कहने के लिए। संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, और हम सुनते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। उनमें से बहुत लोग ऐसे हैं, कोई सूर्य को भगवान मानता है, कोई शिव जी को भगवान मानता है, कोई देवी को भगवान मानता है, कोई गणेश जी को भगवान मानता है, कोई विष्णु को भगवान मानता है। अब इतने सारे लोग तरह तरह के देवी देवताओं को भगवान मानते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान है कौन, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इतने 33 करोड़ देवी देवता जो हैं वो कह रहे हैं कि भगवान जो आपको छोड़कर हमारा भजन करता है ना, वो कैसा है? जैसे कुत्ते की पूंछ को पकड़कर समुद्र को पार करना। समुद्र को कोई पार कर सकता है बिना किसी आश्रय के? नहीं कर सकता। अगर कोई कुत्ते की पूंछ को पकड़कर समुद्र को पार करना चाहे तो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमें जो है लोग ऐसे ही समझ करके हमारा आश्रय ग्रहण करते हैं, परंतु जो आपको छोड़कर हमारे भजन करते हैं वो भी संसार सागर से पार नहीं हो सकते।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। अब भगवान वास्तव में है कौन? भगवान की सृष्टि में सबसे पहले जीव जो है वो ब्रह्मा जी है। कौन है? ब्रह्मा जी। वो ब्रह्मा जी, उनके चार मुख हैं। कितने मुख हैं? चार मुख। वो कह रहे हैं शिव जी के लिए, जो शिव जी को भगवान मानते हैं उनके लिए बता रहे हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजाय तेन ही तथम प्रतिगस्ति हेतु यह संभूतामपि तथा समुपेति कार्या गोविंदमाति गुक्षम तम हम भजामि। दूध होता है ना, दूध से दही बनता है, परंतु दही से दूध नहीं बन सकता। ऐसे ही इसमें बता रहे ब्रह्मा जी कि भगवान जब तमगुण को अंगीकार करते हैं, तमगुण को अंगीकार करते वो स्वयं शिवजी बन जाते हैं, परंतु शिवजी कभी भगवान नहीं बन सकते। शिवजी कभी भगवान नहीं बन सकते। जैसे दूध से दही बन सकता है, परंतु दही से दूध नहीं बन सकता। ऐसी जो स्वयं भगवान है, कौन? गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो गोविंद है वो क्या है? स्वयं भगवान है। गोविंद ही जो है शिवजी बनते हैं, परंतु शिवजी कभी गोविंद नहीं बनते। उसी को बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि शिवजी जो है तमोगुण को अंगीकार कर लिया तो वो भगवान गोविंद जो है शिवजी बनते हैं। शिवजी ने जब भगवान के चरणों से गंगा जी निकली तो उसको क्या किया? अपने मस्तक पर धारण किया। मस्तक पर धारण करने के कारण ही शिवजी और पवित्र हो गए। उनका नाम क्या पड़ गया? गंगाधर। भगवान शिवजी ने जो है गंगा जी को धारण किया, उनका नाम पड़ गया गंगाधर। तब वो और दूसरों को पवित्र करने में समर्थ हो पाए। अब ब्रह्मा जी जो देवी की पूजा करते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। सृष्टि स्थिति प्रणय साधन शक्ति रेखा छाये यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जो लोग सोचते हैं कि देवी जो पार्वती देवी हैं उनसे ही सारे जगत की सृष्टि होती है, स्थिति होती है और प्रलय होती है, उसके लिए ब्रह्मा जी बता रहे थे कि जिनकी इच्छा से, जिनकी इच्छा से गोविंद की इच्छा से वो सृष्टि करती हैं, स्थिति पालन करती हैं और संहार करती हैं। किसकी इच्छा से? गोविंद की इच्छा से। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। भगवान जब ये सृष्टि होती है तब भगवान उनकी तरफ ईक्षण करते हैं, उनको देखते नहीं है। केवल जैसे तिरछी आंख से हम देखते हैं ना किसी को, ऐसे केवल ईक्षण करते हैं। उसी के कारण, उसी के प्रभाव से वो इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करती हैं। फिर सूर्य के बारे में बता रहे हैं, जो सूर्यदेव की उपासना करते हैं। यह चट सूर्य सविता सकल ग्रहणाराम राजा समस्त सूर्यमूर्ति शेष तेजा यस्या गया भ्रमति समृत काल चक्रो गोविंदम आदि गुरुषम तम हम भजामि। यह चक्षुरेत, सूर्य क्या है? भगवान का नेत्र है और जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उन सबका राजा है। वो क्या करता है? काल चक्र को धारण करके इस सारी सृष्टि को चलाता है। सूर्य हमेशा विद्यमान है। अभी यहाँ पर रात हो गई लेकिन सूर्य कहीं और भी है, किसी और जगह भी है सूर्य। ऐसा नहीं है कि सूर्य अस्त हो गया है। सूर्य काल चक्र के अनुसार घूमता रहता है। जैसे चक्र होता है वो घूमता रहता है, ऐसे ही सूर्य घूमता रहता है। अभी यहाँ पे रात है, इन विदेश में देखो वहां दिन निकल रहा होगा। इसलिए यहाँ बताया गोविंद माति पुरुषम तम भजामि तम हम भजामि। जो गणेश की पूजा करते हैं उसके लिए बता रहे हैं यदपाद पल्लम विनिधाय कुंभ दंडे प्रणाम समय गणादि राजा। इसमें क्या बता रहे हैं? यद पाद पल्लम विनिधाय कुंभ। जब नृसिंह देव जी खंभे से प्रकट हुए तो उनका जो क्रोध था वो इतना भयंकर था कि वो उसको कोई भी शांत नहीं कर पा रहा था। सारे देवी देवता वहां पर प्रकट हो गए, सारे देवी देवता उनके क्रोध को शांत करने में लगे हुए, पर कोई भी उनके क्रोध को शांत नहीं कर पाया। गणेश जी वहां पर थे, गणेश जी ने उनको जैसे ही प्रणाम किया
भगवान ने क्या किया, अपने चरण कमल उनके मस्तक पर रख दिए। बंदे प्रणाम समय से गणाधि राजा, प्रणाम करते समय अपने चरण कमल उनके मस्तक पर रख दिए। इसी के कारण गणेश जी को जो है अग्रगण्य माना गया है, उनकी इसलिए आगे पूजा होती है। सबसे पहले, उससे पहले नहीं होती थी उनकी पूजा, जब भगवान के चरण कमल उनके मस्तक पर पड़े तब उनकी पूजा होने लगी है, उससे पहले गणेश जी की पूजा नहीं होती थी। इस प्रकार इसमें बताया गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, और विष्णु के बारे में बता रहे हैं। यस्य एक निश्चित काल मथा वो लंबे जीवन तिलों विलिजा जगदन डनाथा विश्व महान से यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, जिनसे सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, जिनके श्वास में, जिनके श्वास से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं और श्वास लेने पर सब चले जाते हैं। ये जब जगत की सृष्टि होती है और प्रलय होती है तो सृष्टि के समय सारे ब्रह्मांड उनसे निकलते हैं और जब प्रलय हो जाते हैं सारे ब्रह्मांड भगवान के अंदर चले जाते हैं। उनके एक एक रूम में, जैसे हमारे रूम होते हैं ना, एक एक रूम होता है ना, भगवान के रूम में अनंत ब्रह्मांड स्थित हैं। इसलिए बताया विष्णु महान से यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम, वो जो विष्णु हैं वो क्या है, वो भी उनकी कला है। ये पांच देवी देवताओं के बारे में जो पूजन करते हैं लोग, फिर उसके लिए ब्रह्मा जी बता रहे हैं वास्तव में भगवान है कौन। उसके लिए प्रथम श्लोक में ब्रह्मा जी ने बताया ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्णा, कृष्ण कौन है, परमेश्वर है, ईश्वर है, सच्चिदानंद विग्रह है, सच्चित और आनंद के विग्रह है, और सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है। जितने भी हम यहाँ देख रहे हैं पेड़ पौधे जीव जंतु, सबका कारण कौन है, भगवान ही है। जैसे पेड़ को ले लो, पेड़ में फल होता है, फल से पहले क्या होता है, पुष्प होता है, पुष्प से पहले क्या होता है, कलियां होती हैं, कली से पहले वो एक बड़ा वृक्ष होता है, बड़े वृक्ष से पहले छोटा वृक्ष होता है, छोटे वृक्ष से पहले वो बीज होता है, बीज को जमीन में बोते हैं तब वो वृक्ष बनता है, तो बीज को जमीन में बोते हैं तब वो वृक्ष बनता है। और बीज का कारण क्या है, जो उसमें बीजत्व है, अगर बीज को भून दिया जाए तो उसका बीजत्व नष्ट हो जाता है, इसको उबाल दिया जाए तो उसका बीजत्व नष्ट हो जाता है, जब उसमें बीजत्व है तभी वो पेड़ बनता है। उस बीज का कारण क्या है, उस बीज का कारण भगवान ही है। ऐसे ही जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में सबका कारण भगवान ही है। अभी हम भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, इस भागवत में बताया एके चांस कला पंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते वो भागवत प्रमाणित करता है, ये जो भागवत है वो प्रमाणित करता है कि एते चांस कला पंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के अनेक अवतार हैं, राम नृसिंह वामन कूर्म वराह इत्यादि इत्यादि बहुत सारे भगवान के अवतार हैं, परंतु इन अवतारों के बारे में बता रहे हैं कि एते चांस कला पंसा, ये जितने भी अवतार हैं वो सब क्या है, कोई कला है, कोई अंश है, परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान है, जो सभी कारणों के कारण है, भागवत में बताया। और गीता, गीता तो सबने सुना है ना, श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद है, वो सारी गीता जो है अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद है उसी को गीता कहते हैं। उसी में भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य गिलानि भक्ति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। परित्राणाय मतलब साधुओं का त्राण करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनका विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। द्वापर में जब भगवान आए
आकर के भगवान ने लीला की। उसके बाद लीला संपूर्ण करके भगवान जाने लगे। भागवत में वर्णन है, उनके परम प्रिय भक्त उद्धव जी उनसे कह रहे हैं कि भगवान जब आप चले जाएंगे तो मैं कहाँ रहूंगा, मैं किसका आश्रय ग्रहण करूंगा। भगवान जब इस जगत से चले गए तो भगवान कहते गए, कृष्ण सुधाम गते धर्म ज्ञान आदि की सह कलव नष्ट दृशामेश पुराणार को अधुनोदिता। जब भगवान चले गए तो यहां से भगवान के साथ धर्म और ज्ञान भी चला गया, पुराणार को अधुनोदिता। फिर उसके बाद भगवान ने अपने आप को किसमें रखा, ये जो श्रीमद् भागवतम है इसी में भगवान अपने आप को रखे गए। ये भागवत में पुस्तक दिखाई दे रही है लेकिन साक्षात भगवान विराजमान है यहाँ पर। जिनको शास्त्रों में विश्वास नहीं है, जो शास्त्रों को नहीं मानते, उसके लिए उदाहरण बताता हूं। जब बच्चे का जन्म होता है तो पंडित जी आते हैं, विवाह होता है तब भी पंडित जी आते हैं, और भी जो संस्कार होते हैं उसमें भी पंडित जी आते हैं। वो पंडित जी बच्चे का नामकरण करते हैं कहां से करते हैं, अपने ग्रंथ जो ग्रंथ हैं ये शास्त्र हैं उन्हीं में से देख करके वो नामकरण करते हैं। और विवाह कराते हैं कहां से कराते हैं, शास्त्रों में जो मंत्र हैं उन्हीं से, उन्हीं को पढ़ करके उन्हीं को बोल करके उसी से विवाह कराते हैं। अगर यहाँ पर कोई भाई बहन बैठे हों, अगर उनसे कहो कि आप दोनों आपस में शादी कर लो तो क्या वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो शास्त्रों में वर्णन है, शास्त्रों में दिया हुआ है सब कुछ। ये माता पिता भाई बहन ये सब कैसे कैसे आए, सब शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्रों में सब कुछ दे रखा है, शास्त्रों में सब कुछ बताया है। शास्त्रों के माध्यम से ही जब विवाह होता है एक लड़की का लड़के के साथ तो वो पत्नी बन जाती है, वो पति बन जाता है शास्त्र के अनुसार ही। ये सब शास्त्रों में वर्णन है। अगर कोई कहे कि मैं शास्त्रों को नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता, शास्त्रों को मानना ही पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो शास्त्रों को नहीं मानता, उस शास्त्रों में सब कुछ वर्णन है। भागवतम में, भागवतम के बारे में बताया, माया मुक्त जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपाई के लिए कृष्ण वेद पुराण। तो भगवान इस जगत से चले गए, क्या हुआ, कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग का आगमन होने से कलयुग क्या, कलयुग ने सबके सिर पर चढ़कर बैठ गया। कैसे, कोई पैसे के लिए पागल हो रहे हैं, कोई अपने परिवार में आ सकते हैं, कोई किसी में, कोई किसी में। गुरु जी बताते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि को दास। संसार में जितना भी उद्योग है वो किसके लिए है, सब क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं, चाहते कि नहीं सुख, कोई दुखी रहना चाहता है, अभी गुरु जी बता रहे कोई दुखी रहना चाहता है, रहना चाहता है संसार में, सब सुख रहना चाहते हैं। सुख कैसे मिलेगा, दिन रात नौकरी करने से, दिन रात खेत में काम करने से, या परिवार की सेवा करने से, बच्चों को पढ़ाने से, पत्नी की सेवा करने से, पति की सेवा करने से मिलेगा सुख। अगर पत्नी पति की सेवा कर रही है, अगर किसी सब्जी में नमक मिर्ची कम हो जाए ना तो पति डंडे लेके खड़ा हो जाता है, आज से नमक क्यों डाला, आज से मिर्ची कैसे तेज हो गई, होता नहीं होता, घर घर की कहानी ऐसे होता है। और पुत्र पुत्री इत्यादि जो है, अगर वो गलत मार्ग पर चले तो माता पिता क्या करते हैं, उनका शासन करते ना, उनकी वजह से उनका मन दुखी होता है। अगर बेटी गलत मार्ग पर चल जाए उस पिता का मन दुखी होगा कि नहीं, माँ का मन दुखी होगा नहीं। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें शास्त्रों का आश्रय लेकर के, शास्त्रों को भागवत का आश्रय लेना पड़ेगा। भागवत स्वयं भगवान है, पद्म पुराण में बताया भागवत जो है भगवान का अभिन्न स्वरूप है। पादव यदियो प्रथम द्वितीय तृतीय तुर्यो पतितो यदुरु नाभिस्तता पंचम षष्ठो बुधांतरम दौर्युगलम तथान्यो कंठस्थो राजन नवयो यदियो मुखार गंगम दसवा प्रफुल्लम। शादी आज शादी है,
दिसंबर का शादी है। ठीक है ठीक है ठीक। हेलो वृंदावन की हरि लाल की जय। जय जय श्री नारायण। एक भजन सुन लो ठीक है। तमाम हुआ
थोड़ा